अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जरा मेरे जूते सही कर लूँ। हाय हाय, पजामा जूतों में फंस गया। यही तो होता है ना, भागम दौड़ी। आपको पता है, रोज़ मैं सुबह भाग भाग के आती हूँ। एक रिस्क है ये कि मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ शो पर भाग कर आ रही होती हूँ तो मैं वार्म अप हो जाती हूँ, एकदम ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, एनर्जी एकदम आ जाती है। सो वो भागना मेरे लिए अच्छा होता है, मगर रिस्क तो फिर भी है ना, क्योंकि मैं गिर सकती हूँ। अगर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया हो, पानी का कोई ड्रॉप गिरा हो। शुक्र है कि आज तक तो मैं नहीं गिरी, मेरी एक दो कलीग्स गिरे हैं, याद है, याद है, याद है। उनको अच्छी खासी चोटें भी लग चुकी हैं। रिस्क ज़िंदगी में है और हमेशा से है। जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, वो जो रिस्क हमें ज़िंदगी में लेना होता है, सबसे पहले हमारे माँ बाप अपने ऊपर आजमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे होते हैं और गरम खाने का चम्मच अम्मा निकालती है, तो पहले वो टच करती है उस चम्मच को पहले खुद के, मेरे बच्चे का मुंह ना जल जाए। वहाँ से रिस्क लेना ज़िंदगी का शुरू हो जाता है। मेरी अम्मा ने तो ये तक किया है कि मेरी आंखों की लेज़र होनी थी जब मैं छोटी थी, क्योंकि जब नज़र कमज़ोर होती तो एक नई टेक्नोलॉजी आई थी कि लेज़र से चश्मा उतर जाता है। सारी ज़िंदगी मेरी अम्मा ने चश्मा लगाया और कभी कोई सर्जरी या कोई लेज़र वगैरह इस तरह नहीं कराई थी, लेकिन क्योंकि मैंने करानी थी तो सबसे पहले कहेंगे नहीं, रुक जाओ, पहले मैं कराऊंगी, देखूंगी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, अगर कामयाब हुई तो तुम्हें कराने दूंगी। सो मुझे आज भी याद है कि अम्मा ने पहले ख़ुद लेज़र कराई और पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी, मतलब बुढ़ापे तक उनकी आंखों में चश्मा लगा रहा, लेकिन मेरी वजह से कि मुझे लेज़र करानी थी, उन्होंने अपने ऊपर लेज़र कराई और रिस्क लिया। और जब उनका चश्मा उतरा फिर कहने लगी ओके अब तुम करा लो, फिर भी मेरी सही नहीं हुई। उनकी सही हो गई, फिर भी मेरी सही नहीं हुई, अभी भी मैं चश्मा लगाती हूँ। सो रिस्क जब हम ज़िंदगी में लेते हैं तो उससे या तो हम बड़े कामयाब हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि पता है, जवानी जो होती है वो रिस्क लेने का टाइम पीरियड है, और इसमें आप जितने भी रिस्क लेते हैं एक तरह से गैम्बल ही है ना। आपने पैसे इन्वेस्ट कर लिए किसी भी चीज़ में, रिस्क लिया, अब या तो वो बिज़नेस कामयाब हो जाएगा या वो बिज़नेस ठप हो जाएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। फिर रिश्तों में रिस्क, आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज भी एक रिस्क है, कहते हैं ये गैम्बल है। तो आपने जिस शख्स को चुना 4-5 मुलाकातों के बाद, या 4-5 महीने, 4-5 साल की मुलाकातों के बाद वो आपके लिए सूटेबल नहीं निकला शादी के बाद, और सुकून के बजाय बेसुकून ज़िंदगी आपकी हो गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। जॉब स्विच की, मुल्क चेंज किया, शहर बदला, नौकरियां बदली, और पता नहीं क्या क्या, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मोहल्ले, स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम, आपने जो आपने चीज़ सोची हुई थी कि मैं ये बनूंगा या मैं ये बनूंगी, उससे किनारा कशी इख्तियार करके दूसरा सब्जेक्ट चुन लिया कि नहीं अब मेरे लिए ये बेहतर है। सो ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बड़े जियाले होते हैं, बड़े बुर्दबार होते हैं, वो रिस्क लेते हैं और वो बहुत आसानी से ऊपर पहुँचते हैं, बहुत आसानी से नीचे भी गिरते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत डरपोक होते हैं, वो डरते हैं, नहीं 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 ये जॉब छोड़ दी तो लगी लगाई रोज़ी ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं आगे आने वाली जॉब कैसे हो। सो ये आपकी फितरत या आपकी नेचर होती है कि कुछ लोग बहुत डेयरिंग होते हैं और पड़ा कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। वो अपने ना फैसलों पर रोते हैं, ना अपने फैसलों पर रिग्रेट करते हैं, बल्कि वो अपनी बहादुरी से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं ज़िंदगी में, अपनी इस डेयरिंग नेचर की वजह से। सो क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, क्या हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ पे रिस्क लेना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं लेना चाहिए। जो मेरे यंगस्टर्स हैं, मैं अक्सर मिलती हूँ, बहुत यंग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अपने पैसे कभी किसी ब्रांड में खर्च कर रहे होते हैं, कभी कहीं ये ट्रैवल कर लें, वो कर लें, ये कर लें, मतलब कि उनके पास चेक आता नहीं है और उससे पहले उनके खर्चे हो जाते हैं। सो जब मैं उनको मिलती हूँ तो मैं हमेशा उनको ये मशवरे देती हूँ, मैं खाली सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं करी, मैं और नौजवान नस्ल की भी बात करी हूँ, कि तनख्वाह आई नहीं होती और वो उधारों पे चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर लेते हैं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपकी ज़िंदगी के ना बीट्स होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी के क्या कहते हैं वो जो मतलब इस तरह हिस्से अपने डिवाइड किए हों कि मैंने इतने अरसे तक मेहनत करनी है, मैंने इतने अरसे तक ये बनाना है, मैंने इस अरसे में ख़र्चा करना शुरू करना है।
सो ये प्लानिंग इंसान करता है ज़िंदगी में और उसको करनी भी चाहिए। मयाना रवि तो हमारे रिलीजन में है कि आप कितना खर्च करो, कितना बचाओ, ज़िंदगी में हर चीज़ में मयाना रवि होना ज़रूरी है। सो कभी या तो कुछ लोग बहुत रिस्क ले रहे होते हैं और कभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, बिल्कुल एक सीधी चाल चलते जाते हैं, तो वो बिल्कुल टॉर्टॉइस की चाल हो जाती है। सो आज के इस प्रोग्राम से आपको बहुत मौका मिलेगा सीखने का कि रिस्क किस लिमिट तक लेने चाहिए और रिस्क लेने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। हमारे ऐसे सेलेब्रिटीज़ जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेल चुके हैं और अब वो इनकी लाइफ है कि ये फ्लरिश कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं चीज़ों को देख कर, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि उन्होंने जो रिस्क लेने थे, उन्होंने जो मेहनतें करनी थी वो कर ली। हाँ, उनकी मेहनत मशक्क़त ज़िंदगी के आखिर तक जारी सारी है, लेकिन जो ज़िंदगी की मोटी मोटी चीज़ें थी जिसमें उनको ये सोचना था कि ये करूं या ना, वो कर चुकी हैं और उससे उनको क्या एक्सपीरियंसेस हुए। अक्सर हम जो सारे लोग हैं वो कोशिश करते हैं हम उम्र लोगों के साथ बैठें और बात करें। कभी कभार आप सीनियर समझदार लोगों के साथ बैठते हैं तो यकीन जाने उस महफिल से आप बहुत कुछ सीख कर समझ कर उठते हैं। यही महफिल आज मैंने सजाई है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। सो आज कुछ समझदार, कुछ पढ़ी लिखी और कुछ डेयरिंग ख्वातीन से आपकी मुलाकात कराऊंगी जिन्होंने ज़िंदगी में रिस्क लिए, लेकिन उन रिस्क की वजह से उनको क्या फ़ायदे और नुकसान हुए, आज इस शो के ज़रिए हम एक साथ मिलकर लर्न करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आज की जो कंपनी है, आज की जो महफिल है, ये ऐसी है कि इससे जब आप उठेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ज़िंदगी के जो सबक हैं वो किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलते। प्रैक्टिकली आप जिन लोगों का चुनाव करते हैं, अपनी कंपनी उनके साथ स्पेंड करते हैं, तो वो आपको वो तरबियत और वो ज़िंदगी की मालूमात दे जाते हैं बातों ही बातों में, जिससे आपको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि ओ वाओ, ये वाला जो टाइम पीरियड था इसको हमने इन्वेस्ट किया है। सो आप ये जो 2.5 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे शो में, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के उठेंगे। हमारे साथ आज जो 3 सेलेब्रिटीज़ मौजूद हैं जिन्होंने, मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की इनिंग्स बड़े तमीज़, तहजीब और बड़ी समझदारी से खेली हैं और जो अभी भी खेल रहे हैं और जो अभी भी फ्लरिश कर रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी ज़िंदगी में रिस्क भी लिए हैं और बड़ी समझदारी से ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। सो वो रोल मॉडल्स आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं, मेरी एक तरफ है लैला ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। दूसरी तरफ जी सबा फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जगह ज़्यादा ही भारी है क्योंकि तीसरी जो मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट है एनी जैदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। तीनों पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनको एडमायर करते हैं हमारे लोग देखकर, और भरपूर ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी और अभी भी गुजारते रहेंगे, गुजारते रहेंगे, एवर ग्रीन माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आज हम आपसे, आप तीनों से कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस नीयत के साथ इस शो के लिए बैठे हैं लोग, कि हमेशा ही आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है, मगर आज तो प्रॉपर ये ही नीयत की है कि कुछ ना कुछ कभी आपकी ज़िंदगी से, कभी आपकी ज़िंदगी से सीखेंगे। आपने, अगर मैं आप तीनों से पूछूं, कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है ज़िंदगी में, कभी माँ होती है, कभी कोई बड़ी बहन होती है, कभी कोई कज़न होती है। सो आप तीनों से अगर मैं सवाल करूं कि आपकी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन कौन थी कि मुझे जो है ना, मतलब इनकी तरह ज़िंदगी, एक बंदा बनाता है ना थोड़ा सा, एक स्केच बनाता है, तो आप तीनों की ज़िंदगी में कौन था? आपसे शुरू करती हूँ जी। मेरा ये आई भी गड़बड़ कर रही है, बहुत टड डड कर रही है। हाँ, मेरे लिए मेरी माँ, मेरी मदर, हाँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, क्योंकि वो अपने आप में एक रोल मॉडल है माशाल्लाह। शी इज़ सच अ पेशेंट लेडी, बहुत ही साबिर औरत हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत सब्र से गुजारी है और एवरीबडी लव्स हर, पूरी फैमिली में मिसाल दी जाती है उनकी। तो मेरा दिल चाहता है मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। अच्छा, तो लाइक उनका एक तो
सबर का एलिमेंट आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, उनके लिए फायदेमंद साबित रहा? कभी कभार जो सबर करते हैं वो बेचारे घुटते भी रहते हैं। हाँ, नहीं, वो फिर उनकी जिंदगी तो टफ रही है बहुत। हाँ, ज्यादा अब्बू सख्त थे आपके? अब्बू सख्त थे, सोल्जर थे? हाँ, थोड़े कंपैरेटिवली सख्त थे, मगर लविंग भी बहुत थे, मगर थोड़ी सी सख्ती भी थी। और जो मैं शोबिज में आई वो फादर की वजह से, क्योंकि अच्छा। वो रेडियो से उनका ताल्लुक था। ओके, ओके। तो उनके देख उनको देख के शौक हुआ और रेडियो शुरू किया। और फिर रेडियो से टीवी। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपकी अम्मी के हवाले से कि एक तो उनका सबर आपको पसंद है कि उस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो आपको लगता है कि अम्मी को फायदा हुआ है सबर करने से? अम्मी को सबर करते रहो, वैसे भी हम औरतों को कहते हैं सबर करो, तो या तो बेचारी बहुत ही सबर कर लेती हैं कि बस वो सारी जिंदगी सबर ही करती रहती है कि अब मेरा वक्त आएगा। नहीं नहीं, उन्होंने सबर किया और जाहिर है मुश्किल वक्त गुजारा, मगर आज उनको उनको लोग जो है वो बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हमें कभी डांटा नहीं। अच्छा। यकीन करें, कभी मारना तो दूर की बात, डांटा तक नहीं। हाँ, कभी। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ऐसा माँ को ऐसा होना चाहिए, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। हाँ। बिल्कुल। और ये कि और नॉलेजेबल, मतलब हाँ। जो चीज़ हमें पूछनी हो उनसे हम पूछ सकते हैं। हाँ। और अब तो उन्हें रिलीजन का भी बहुत पता हो गया है, तो हर चीज़ हम उनसे पूछ के करते हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे लगता है इस उम्र में भी माशाल्लाह। अभी जो वो हाउसवाइफ थी या वो टीचर थी? अच्छा, वो टीच हाँ टीच करती थी, शायद इसी वजह से मैं भी टीचिंग में गई फिर। अच्छा, देखा देखी आप टीचर? मैंने टीचिंग भी की है काफी अच्छे, इतनी खूबसूरत टीचर देख के ही पास हो जाए बच्चे तो, है ना? वैसे अभी भी पढ़ा। अब मुझे पता चला कि वो बच्चों का जो पहला क्रश टीचर क्यों होती है। मैं अभी भी पढ़ा रही हूं यूनिवर्सिटी में। सीरियसली? माय गुडनेस, ओ माशाल्लाह। अभी भी मैं पढ़ा रही हूं ज़ाबिस्ट यूनिवर्सिटी में, मीडिया साइंस डिपार्टमेंट। ओह ग्रेट। अच्छा, मेरी बेटी तो इंस्पायर ये इन्हीं से हुई थी, क्योंकि हमारे बच्चे क्वेटा में एक ही स्कूल जाते थे। तो बेटी मेरे पास आई, उसने कहा बस आप भी एक्टिंग शुरू कर दें। मैंने कहा क्या हुआ भाई तुम्हें? कहे नहीं, किरण के इतने आगे पीछे लोग फिरते हैं, उसकी अम्मी मुझे भी किरण के आगे पीछे लोग इनकी वजह से तो फिरते थे, लेकिन माशाल्लाह किरण भी स्कूल में, मैं भी उसी स्कूल में थी, तो किरण भी हसीन जो है वो थी इतनी, माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी हैं। सो हम लोग भी इनकी छोटी बेटी के साथ हम लोग थे, तानिया के साथ थे ना, ये निदौर से हम सब क्वेटा के वासी हैं, क्वेटा के वासी। तो वो ये है कि अम्मी का अभी तक सब उनकी कहते हैं कि भाई शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं चाहती हूँ मेरे लिए भी लोग यही कहें। मेरी भी आइडल मेरी अम्मा रही बहुत सारी चीज़ों में। मैं अच्छा, मजे की बात है, मैं फिल्टर कर लेती हूँ। मैंने अम्मा की अच्छी अच्छी चीजें उनसे इंस्पायर हो गई, अब्बा की अच्छी अच्छी चीजों से उनसे इंस्पायर, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन हो जाता है। मैंने भी यही किया है ना, फिल्टर। उतनी नेक उतनी सीधी मैं नहीं बनना चाहती, बिल्कुल। और अम्मी की तरह उतनी मैं ब्लंट नहीं बन सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें उनकी। आपसे अगर मैं पूछूं आपकी इंस्पिरेशन को? मेरी तो जाहिर है इनकी तरह मेरी भी, मुझे लगता है हर लड़की की जो इंस्पिरेशन है ना पहली। अच्छा, कुछ लोगों के फादर्स भी होते हैं, कुछ लड़कियों से अगर आप लड़कियों के उनके वालिद भी होते हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मेरी अम्मी। और जैसे ये बता रही है ना कि वो बड़ी साबिर थी और बहुत हर लिहाज से लोग उनको गाइड करना चाहते थे सब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने कहा कि आप जब दुआ मांगे ना तो साबिर होने की दुआ ना मांगे, नहीं तो फिर मुश्किलें इतनी पड़ती हैं कि फिर आप सब्र करते रहें। ठीक है, तो मैं तो डर जाती हूँ, मैं नहीं मांगती हूँ वो दुआ, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में इम्तिहानात आते हैं। और पहली इंस्पिरेशन मम्मी, और दूसरी इंस्पिरेशन आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात। बिल्कुल, वो इतने वो उससे जो सीखता है ना इंसान, वो किसी चीज़ से किसी से भी नहीं आप सीख पाते। जो अपनी ज़िंदगी के जो इम्तिहानात हैं ना, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, उनसे आप बहुत सीखते हैं और उनसे सीखना भी चाहिए। अच्छा, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जब हमें नसीहत करने के लिए कभी हमारे बुजुर्ग बोल रहे होते हैं हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मुझे यह जुमला थोड़ा सा इसलिए गलत लगने लगा है अब, क्योंकि देखिए बहुत सारी हमारी एक ज़माने में माएँ थीं जो घर बैठती थी, जिनको बाहर का अंदाज़ा नहीं था, जो बाहर नहीं निकलती थी, बस उनके किचन और घर बच्चे यही ज़िंदगी होती थी। लेकिन जब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनकी बच्चियाँ उनसे ज़्यादा समझदार जी इंटेलिजेंट निकली, क्योंकि वो बाहर निकली, उन्होंने एजुकेशन ली,
सो वो एक यंग एज में एक समझदार और उन्होंने घर का स्टेटस चेंज कर दिया, किसी और मोहल्ले में रहती थी वो बच्चियां बाहर निकली पढ़ाई की, उन्होंने घर को एक जगह से दूसरी जगह ले ली, मतलब लाइक तरक्की की तरफ। सो ये वाला क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छा जी एज है ज्यादा तो तजुर्बा ज्यादा हो गया, कभी कभार एजुकेशन और हालात आपको तजुर्बा ज्यादा दे, बाज़ औक़ात पड़े पड़े सीनियर हो जाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी के तजुर्बात से ना वो खुद सीख पाते हैं और ना उनके बच्चे, बच्चों को भी दबाते रहते हैं नहीं बोल गलत गलत नहीं कहना। लेकिन मैं कहती हूँ हमारी जो माँ थी, मेरी माँ तो मेरी हर लिहाज से आइडियल है मेरे लिए, मेरे लिए, लेकिन मैं भी उनका अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखूँ तो शायद इस वक्त वो कामयाब ना होती, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आपको जैसे हमारे बच्चे हैं, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो आने वाली नस्ल जो है ना वो उसके पास तजुर्बा अपनी नानी का भी अपनी माँ का भी है। देखिए जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमें ये पता है कि कभी कभार हमें अपने बच्चों की सुननी पड़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं। हम ये नहीं कह सकते तुम्हें नहीं पता, हमने धूप में बाल और हमने नहीं, मगर मैं ये कहती हूँ कि हमारी जनरेशन वो जनरेशन है कि हम अपने माँ बाप से भी डरते थे, अपनी औलाद से भी डरते थे। बिल्कुल सही है, जब अपने बच्चों से आप डरने लगते हैं वाकई में। लेकिन जनरेशन गैप इट डज मेक अ सेंस, होता है जनरेशन गैप अपनी टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में। आपके बच्चे आपसे आगे होने भी चाहिए, होने भी चाहिए ना, अगर आपके बच्चे आपसे पीछे होंगे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, डिजास्टर है। आपसे पूछूंगी आपकी इंस्पिरेशन। मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, क्योंकि मेरी माँ कन्वेंशनल माँ नहीं थी, बहुत डायनेमिक थी। She was a bionic woman. अच्छा। हाँ हाँ, she was a super woman. Oh. हाँ, उनका तो अलीगढ़ से पढ़ी हुई थी वो। Okay. और वो आम औरतों की तरह ना वो घरेलू थी ना वो मतलब साबिर भी नहीं थी और हक के लिए लड़ना बहुत लड़ी है हक के लिए। वो तो चलते हुए अगर कोई सिगरेट पी रहा होगा तो वो उसी वक्त कहेंगे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये सिगरेट छोड़ो। इस तरह की थी, हम डरते थे अम्मी बस अब चुप रहे हैं, अब बोलिएगा नहीं, नहीं चुप रहती थी। हमारी औलादे हमें कहेंगी, हमारी औलादे कहेंगी और मेरे बच्चे मुझे चुप करा रहे होते हैं। मैं अंग्रेजों के अगर मुल्क में जाती हूँ तो भाई हम पैसे देकर आए, अम्मा थोड़ी रह रहे हैं, या क्या हम उनसे दबे, तो मैं कहती हूँ नहीं दिस इज रॉन्ग, तो मेरे बच्चे चुप मम्मा चुप। मैं कहा क्यों, अगर मैं मतलब वो मुझे ब्राउन समझ के मेरे साथ जाती कर रहे हैं तो व्हाई शुड आई बी क्वायट। बिल्कुल वो चुपकोनियां मार रहे होते मेरे मियां और बच्चे, मैं कह रही आप यहाँ की निदा यहाँ से नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं हम लोग बहुत बहादुर हैं, हम लोग बहुत ब्रेव हैं। बिल्कुल सही बात। और ये बहादुरी और इंडिपेंडेंसी और अपने पाँव पे खड़ा होना मैंने अपनी माँ से सीखा। अम्मी ने हर हाल में, अम्मी बाहर निकली है, अम्मी ने टीचिंग करी है और अम्मी ने अमेरिका में अपना एक कमरा घर इंसुलेशन के साथ खिड़कियां दरवाजे खुद बनाए हैं। यस, शी वाज एट द एज ऑफ 80। जबरदस्त, ओह माय गॉड, मतलब वो ऐसा लग रहा था कोई अल्लाह की कोई ताकत उनके अंदर है माशाल्लाह। और वो हर वो काम करती थी, सीमेंट मिक्स करना, इंसुलेशन करना दीवारों के अंदर, खिड़कियां दरवाजे लगाए उन्होंने खुद। जबरदस्त। और शी स्टार्टेड अ न्यू लाइफ इन अमेरिका एट दैट एज। Wow. तो हम लोग सारे अम्मी का और पापा की ये था कि पापा सपोर्टेड है, बहुत सपोर्ट किया पापा ने। तो इवन अमेरिका में शी वाज अर्निंग एंड शी वाज नहीं, आप कह रहे हैं तो मतलब बैलेंस होता है ना कपल में। हाँ। अगर अम्मी जो थी वो घरेलू नहीं थी खाना, तो अब्बू देख रहे होते थे घरेलू इस तरह थी कि खाना वाना पकता, हमारे हमेशा नौकर रहा है। हाँ, नौकर रहा है खाना। अमेरिका में जाके नेचुरली अम्मी ने खुद किया सब कुछ। लेकिन अम्मी ने बाहर का भी किया, अंदर का भी किया। यही तो ये है, बाहर की खवातीन बायोनिक की होती है वैसे, बहुत सब कर रही है। तो हमारी अम्मी भी जब टीच भी कर रही थी और घर का भी सारा कर रही थी। मेरी अम्मी भी खुद घर बन रहा है कंस्ट्रक्शन, मजदूरों के साथ मजदूर बनी हुई। फैमिली पापा को तो मैंने देखा, अब्बा को तो हर चीज ट्रेन में मिली है। राइट राइट। अब्बा ने कहा अच्छा चलो सही है मैं काम में लगा हुआ, वो सारी चीजें वो भी नौकरी करती थी, घर भी देखती थी। और मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बहन से जिक्र करती हूँ, मैंने कहा हमें कभी याद नहीं पड़ता जिस औरत ने सारी जिंदगी नौकरी की है, हम उनके टाइम के लिए तरसे हूँ। नहीं, हमें जब जरूरत मिली है
ऐसी वो सुपर वुमन थी, वो हमारे पास मौजूद थी। हमें कभी कोई ऐसा नहीं है कि अम्मी है नहीं, अम्मी से बात कैसे करें, हम अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करें। बेटियों को तो माँ चाहिए होती है। मुझे नहीं पता कि कैसे वो कैसे टाइम निकालती थी। रात रात भर रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, एडिटिंग्स भी हो रही है, और बच्चों के स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग भी, हमारी पढ़ाइयों से पता नहीं क्या सब कुछ। तो तभी आई कॉल माई मदर अ बायोनिक पर्सन। और पापा को मैं ये कहती हूँ कि पापा ने साथ दिया, बहुत साथ दिया हर चीज में, बिकॉज शी वॉज अ वेरी एम्बिशियस और आउट गोइंग पर्सन कि मैं ये भी कर लूँ, बिजनेस भी करी अमेरिका में। बस यू नो, पता है वो मर्द बड़े लकी होते हैं जिनको आप जैसी हम जैसी बीवियां मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमियों को तो अपनी बीवियों को सड़क क्रॉस करना सिखानी पड़ती है, ड्राइविंग फलाना, खास तौर पे अगर आप शादी होके बाहर चले जाएं और आप बिल्कुल सती सावित्री हो। बड़ी अच्छी जी गर्म रोटी। हमने अपनी फैमिली में देखा है, मेरी अपनी भाभियां हैं, बिल्कुल सब पूरी तरह डिपेंड करती हैं भाइयों पर। अब वो अभी अब जब बच्चों की शादियां वादियां करनी हो तो वो मुझे फोन कर रहे होंगे कि सबा जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या। मैं कहा भाभी से पूछे ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ तुम बताओ। तो ये नहीं कि भाभियां माइंड करती हैं, ये चीज अंदर से हो, ये अंदर से फितरत, ये नेचर इनबिल्ट होती है। अच्छा फिर वो ऐसा भी होता है ना, जो घर बैठी खवातीन है ना, उनका ये होता है कि अच्छा नहीं है तो पता नहीं, इन्हीं की जिम्मेदारी है, इन्होंने ही करना है, इन्होंने ही खर्चे पूरे करने हैं, इन्होंने ही बच्चे पालने हैं, इनकी जिम्मेदारी है स्कूल में क्या है। यहाँ तो सारी जिम्मेदारियों का टोकरा हमने अपने सर पर रखा। मैं बताऊँ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है जो सबा कह रही है ना, कि जो औरतें होती हैं ना बीवियाँ, वो एक बैक सीट ले लेती हैं और हस्बैंड के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ डाल देती हैं, आराम से रहती हैं वो सारा। उसमें उनको मुझे लगता है एक चीज़ माइनस होती है कि वो उनको फिजिकली एफर्ट्स और मेंटली एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल पीसफुल, मतलब हम जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो हमारे पर सब कुछ पड़ जाता है। भाई मैं ये आप भी और कैपेबल ऑफ डूइंग इट, हम खुद खराब करते हैं अपने आप को। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको ये कंफर्ट लेवल है ना। मेरी मामू की बेटी यंग माशाल्लाह, तो जब मैं आंटी से मिलती थी तो आंटी कहती थी, मैंने कहा कहाँ है आमना, वो बच्चों को स्कूल में, कहते हैं इसने तो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ खुद पर ली हुई हैं। मैं इसे कहती हूँ कुछ जिम्मेदारियाँ उनके बाप को भी दो, घर की जिम्मेदारी। लेकिन नहीं, मैंने कहा आंटी तो आपने सारी जिंदगी ये किया, उसने भी ये किया, हम लोग इसी तरह चल रहे हैं। देखते हैं हमने अपनी अम्मी को, हमारे साथ मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने अपनी अम्मी को देखा और उसके बाद मेरे आहिस्ता आहिस्ता मैं कहने लगी, हाय अल्लाह ये तो मैंने कभी अपने बाप के घर में तो ये काम किए नहीं, मुझे यहाँ करने पड़े। क्यों? क्योंकि मैं अम्मी की तरह होती चली, नॉर्मल लेते ना हम। सादिया ऐसी है, सादिया मैं अभी 18-19 दिन लाहौर रही हूँ, आती मर्तबा माए बेटियों को कुछ और कह के आती हूँ, मैं उसे बिठा के समझा कर आई हूँ, अपने आप को इतना थकाना छोड़ दो, हर काम हर वक्त ड्राइव करना, ये भी काम करना है, ये भी करना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। मैंने कहा, कहती है अम्मा अब भी यही करती रही। मैंने कहा अब एट दिस स्टेज मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत थकाया, ये सही कह, बहुत थकाया है, और तो मैं आपको ये बात, आप लेते जाइए ना जिम्मेदारी, मैंने देखा है कि मर्द जो है ना, वो अगर आप सारी जिम्मेदारियाँ ले लेना तो मर्द बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। यस, ये हमें खवातीनों हजरात, ये हमें बड़ा देर में समझ आया। अगर आप यंग हैं, अगर आप बिल्कुल ऐसा है कि शादी होने वाली है, हो चुकी है, और आप समझ रही हैं कि नहीं मैं भी अम्मी की तरह बनूंगी, नहीं हमसे रुझू करें, हमसे रुझू करें। ये हमने जो रिस्क लिया है, हमने जो सीखा है, हम आपको बता रहे हैं कि इतना भी शहजादा ना बना दे शहजादा गुलफाम को, लाड में इतना भी ना खराब करें। एग्जैक्टली। अच्छा दो तरह के लाड होते हैं, एक तो जैसे हमने किया ना, हमने बाहर की सारी चीजें संभाल ली है, वो एक वो भी लाड होते हैं, गरम गरम रोटी लाऊं, गरम वो बेचारी खाए ही नहीं, साथ वो रोटियां दे जा रही है, बना रही है। सो वो दो तरह के लाड होते हैं। ये लाड हमने कभी नहीं पाया, मैंने ये लाड इतना पाला है कि आपकी सोच। अच्छा, मैं तो फैसी बैठते थे, मेरा देवर, मेरी दोनों नंदे और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे शौक था किचन में खाने वाने बनाने का। अब मैं बना रही हूँ और गरम गरम रोटी ला के दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो परात में आटा खत्म हो गया। ओह, अब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा कि सबा रोटी, मैंने कहा बस आटा खत्म हो गया, अब और नहीं। तो ये भी वक्त आया। अच्छा। हमने ये मैंने बहुत किया हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे खाने वाने बना के, बट अब मैं जाती हूँ तो फैसी भी मुझे कहते हैं तुम, लेकिन कीड़ा है
मैं खुद जाती हूँ, मैंने खुद तो देखे ना कसूरवार हम लोग खुद हैं। मैंने तो भाई मेरे मियाँ को बहुत आदत थी इसी तरह गरम गरम रोटियों की, और वो मैंने सब आदतें खत्म कर दी क्योंकि मेरी अम्मा नहीं किचन में इतना जाती थी। मैं भी कभी नहीं गई, बहुत देर कभी नहीं गई किचन में, लेकिन आई डोंट नो अब मैं अमेरिका जाती हूँ, मैं बच्चों के लिए पराठे रोटियां अच्छा सब बनाती हूँ मैं, क्योंकि इतना शौक होता है कि बच्चे को भी एक सर्टेन एज में जैसे सारी जिंदगी जा रहे जॉब करती नहीं है तो किचन का नहीं खान सामा होता था, लेकिन उसके बाद अम्मी को यही हो गया कि किचन खाना फलाना ये वो ये लो पाए बनाए खाओ पा, मतलब हो सकता है कि हम भी उनके जैसे हो जाएं, आई डोंट नो, फेजेस आते हैं, फेजेस आते हैं। सो आइए शुरू करते हैं कि जिंदगी में इम्तिहानात ब्रेक के बाद हम आपके सामने जो रिस्क्स जिंदगी में लिए और उनसे नुकसानात और फायदे जो भी हुए वो सब खुली किताब की तरह आपके सामने होंगे। सीखने का अमल शुरू हो चुका है, तो ब्रेक के बाद इधर ही रहिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जिंदगी की जो क्लास है उसका सेशन शुरू होने जा रहा है कि इसको कैसे, ये नहीं सिखाता ना कोई स्कूल, ये नहीं सिखाता कोई यूनिवर्सिटी, ये आपको जिंदगी गुजार के और अच्छी कंपनी में बैठ के सीखने का मौका मिलता है। किसी के कोई लकी होता है, किसी के ख़ानदान में कोई ऐसे होती हैं जिनके साथ बैठ के बिल्कुल अक्सर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या अपने तजुर्बों से या दूसरों के तजुर्बों से इंसान सीख सकता है। अच्छा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको बैठना किसकी कंपनी में, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद। बिल्कुल, मैं कहती हूँ सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को निकाल दें, माइनस कर दें, आपकी जिंदगी ना निथर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये हमें बड़ा देर में समझ आया, ये बड़ी देर में समझ आया, बच्चियों को बता रहे हैं, ये हमें बड़ा देर में जो हर वक्त कोई ना कोई शिकायत आपके पास बैठेंगे, सुने तो अगर मियां ऐसा हो तो क्या तो इस उम्र में मियां को भी बेड अलहदा हो जाते हैं भाई, बेडरूम अलग हो जाता है, कमरे भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये सवाल औरतें कहेंगी हमारे तो मियां ऐसे हैं, उनके तो हर वक्त ही चीख पीख पटाख करते रहते हैं, ये क्या हो गया वो क्या हो गया ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, हर वक्त वही टेंशन देने वाले होते हैं, फिर क्या। हाँ जी, शुरुआत करते, चले सबा जी आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, रिस्क किस पे लिया, क्या फायदा क्या नुकसान? डाइट हमेशा से की या एक सर्टेन टाइम? अच्छा, ये चलें लोगों को भी बहुत पता चलेगा, मैंने मेरा वेट कभी बढ़ा ही नहीं था। मेरा हमेशा दुबली पतली थी, दुबली पतली, मैं कुछ खा लेती थी, जब मैं लोगों को देखती थी कि ये इतने डाइट कॉन्शियस होते, मैं कहती कुछ नहीं होता, खाएं, तो सब मुझे कहते थे कि आफ्टर 40 आपको पता चलेगा, फिर आप वेट 40-45 के बाद। तो मैं कहती थी कुछ भी नहीं होता भाई, मेरे तो बच्चे पैदा हुए मैं इतनी मोटी होती थी, मैं सवा महीने के बाद मैं दोबारा से दुबली पतली। उसके लिए क्या करती थी, मैं घर में पोचे लगाती थी तो मैं पतली हो जाती थी। भाई अब तो कहें पोचे भी नहीं लगेंगे, पतली नहीं होंगी, खाना छोड़ेंगी भी तो नहीं हो सकती। तो मेरा वेट बढ़ते बढ़ते, वैसे वो पिक्चर्स मेरे पास थी, मैं अगर होता तो मैं दिखाती इस वक्त, उसमें मुझे, मैं देखती थी पिक्चर्स तो मुझे लगता था कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। ब्लोटिंग भी थी उसमें, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा, ब्लोटिंग होती है तो आपकी, आपको आँखों से पता चलता है, आपको आपके बाजुओं से पता चलता है, और मेरी ये जगह बहुत मोटी हो जाती है इधर से, तो मुझे लगता था ब्लोटिंग है। अब मैंने सब करके देख लिया, खाना कंट्रोल करके, अपनी ज़िंदगी से शुगर, और कहते हैं ना जी आप चीनी ख़त्म कर दें, रोटी और चीनी ख़त्म कर दें तो आपकी डाइट, तो मैंने सब करके देख लिया, नहीं होता था। फिर जो मैं सेट पर थी तो एक हीरोइन, नाम तो नहीं लूँगी मैं उसका, मेरी जान की टोटी है वो, तो उसने मुझे कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं, आप ये करें। मैंने कहा मैं, मुझे तो सब कहते हैं कि ये जी कीटो वीटो करने से, और मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ डाइट नहीं किया था, कभी भी नहीं, तो ये कीटो करने से बाल उतर जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, सिर्फ वेट कम होगा, बाकी सारे नुकसान होंगे। उसने कहा कुछ नहीं होगा, आप ये करें, लेकिन इसके बाद आपको अपनी डाइट को बेहतर बनाना है, आपको बालों के लिए विटामिंस लेनी है, आपको स्किन के लिए लेनी है, नाखूनों, कुछ भी नहीं होगा अगर आप केयर करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने एक माह तो टिक्के की मैंने कीटो,
आप सोचें मेरा वेट हो गया था 79 kg, तो 79 kg बहुत है। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे 65 करना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप यकीन करें 1.5 माह बाद मेरा वेट हो गया 62। ओह इतना ज़्यादा, इतना मेरा कहा एटकिन से तो ये चीज़ों से बहुत जल्दी। अच्छा ना, मैंने मैंने मल्टीविटामिंस ली, मैंने अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी दुबले होने से ज़्यादा सुबह जब उठकर आप शीशा देखें, खुद को देख के फ्रेश विदाउट मेकअप आप कैसे लग रहे हैं, तो वो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो मुझे लगता था कि ये, फिर मैंने फील किया कि नहीं भाई, ये मोटापा तो बहुत बुरी चीज़ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम स्क्रीन पर आते हैं, आपकी सेहत के लिए ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है, कई तरह की बीमारियां हो सकती, सारी बीमारियां, सारी बीमारियां। और सुबह उठ के जो एक और बात जो है ना, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कपड़ा चाय पहन, तो ये जो ब्रांड्स के जो कुर्ते थे ना, जो मैं नहीं पहन सकती थी, तो मेरा दिल चाहे मैं वो पहन सकूं, वो पहन के मैं कंफर्टेबल फील। आपको लगा कि जो रिस्क आपने लिया डाइट, ये फायदा दिया इसने, इतना फायदा दिया। उसके बाद फिर कहते हैं कि जी फिर एकदम से वेट बढ़ता भी है, वो सब आपकी लापरवाही से बढ़ता है। फिर मेरे बेटे मुझे कहते थे कि अम्मा आप बहुत दुबली हो गई हैं, हमें आप ना पीछे से देखते तो हमारी अम्मा नहीं लगती, हमें वही अम्मा चाहिए, हमें वही अम्मा चाहिए। बच्चे बड़ा कहते हैं, सबके बच्चे बहुत होता है कि अम्मा अम्मा नहीं अम्मा लगे। फिर मैंने किया 65, फिर अब मैं 70 पर मैंने लॉक किया कि मुझे 70 से ऊपर नहीं जाना। तो वो जो एक दफ़ा डाइट की, उसको भी 2.5 साल 3 साल तो हो रहे हैं मुझे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल रखा अपना वेट। अब तो बढ़ जाता ये है, रिस्क जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद अच्छा साबित। और मैं कहती हूँ सब करें, आपको जिस तरह की भी डाइट, लेकिन उस डाइट के जो साइड इफेक्ट हैं आप उसको जरूर पहले फॉलो करें, देखें कि आपको क्या करना है क्या नहीं, कि उसके साथ ऐसा नहीं हो कि सब कुछ ही छोड़ दिया, आपने सप्लीमेंट्स लिए, सब आपके बाल स्किन वो खराब नहीं। तो ये रिस्क बहुत अच्छा बहुत अच्छा और थैंक यू सो मच उस आर्टिस्ट के लिए। तो इसका तो नाम लेना चाहिए आपको। लेकिन फिर ये तो अच्छी काम बात सुने, फिर लोगों को पता क्या लगता है, अच्छा तो ये करती हैं, ये करती हैं, क्या बात है, मेहनत डाइट तो क्या डाइट बुराई तो नहीं है। मतलब आप शादियों में जा रहे हैं, आप वहाँ के खाने केक ये वो कुछ भी नहीं खा रहे, आप अपना कीटो कर रहे हैं, आप अपना वही खाना जो आया, ये मेहनत है यार, विल पावर, ऐसे थोड़ी है कि कोई आसान काम नहीं है, कीटो के लिए बहुत विल पावर। तो पता नहीं मेरे में विल पावर आ जाती है। अच्छा मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ, पता है मोटिवेशन है, मोटिवेशन होता है, कोई गोल है जो आपने कुछ। अच्छा अब जैसे इन्होंने ये सोचा और इनको अब जरूरत पड़ी, बहुत सारी खवातीन क्या करती हैं, बच्चे शादी हो जाते, बच्चे तो कहते हैं क्या हुआ, अब क्या करना, पतले हो गए, अब तो हो गई शादी। अच्छा भाई मेरी खाला है वो मोटी, ए बड़े ऑपरेशन तो बाद ना बस ऐसे हो गई, सीजर सेक्शन अपने आप को दे ऐसे। तो मुझे ये इतना लेम सा लगता है एक्सक्यूज। मैं कहती हूँ इसके लिए आपको सोफे से बेड से उठना पड़ता है, आपको किताबें जो हर वक्त बैठ के पढ़ते हैं वो छोड़नी पड़ती हैं, आपको हिल, खैर मैं अपनी खाला की बात नहीं कर रही, वो तो बहुत काम करती हैं, लेकिन आपको कुछ अचीव करने के लिए ना बहुत कुछ जो है ना, मगर हमारी कंफर्ट बहुत छोड़ना पड़ता है। ये मुझे एक मेरी दोस्त थी तो वो कहने लगी कि तुम अब क्यों तुम इतनी केयर करती हो तुम्हारी, जब मेरी बच्चियों की शादियाँ नहीं होती उससे पहले, अब जो है अब तुम्हें अपने आप को छोड़ दो बस, माओं को बस ऐसे ही होना चाहिए, बेटियां वरना आपके सामने दब जाती हैं तो उनके रिश्ते होने मुश्किल होते हैं। आए आए। हाँ। मैंने कहा ये क्या बात है? ये कहते थे, ये तो बड़ी गलत बात है, क्यों, हम तो देखते हैं कि भाई माँ फिट है तो बेटी भी फिट होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि आपको बैकशीट ले लेनी चाहिए और लड़कियों को आगे करना चाहिए। और ये खुद औरतों की सोच है, औरतों की भी ये सोच है कि नहीं नहीं बस अब हो गया, अब हम हल्के कलर पहने, हम नहीं भाई ऐसा नहीं है। मैं तो जो लहंगे शुरू किए ना गरारे इस उम्र में आके, मैं ईद पर भी ईद वाले दिन गरारा ही पहना था, जो दिन आप यकीन मानो मेरी अम्मी ऑरेंज कलर रेड कलर ये सारी जवानी नहीं पहना पहनती थी। मैं तो भी हर कलर पहनती हूं और मैं वेस्ट में भी देखती हूं। बिल्कुल सब वेस्ट में आप देखिए, आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपने ब्राइट कलर पहना हो। मैंने कुछ घर देखे हैं जहां पे बेटियां वाकई कंपटीशन में आ जाती हैं माओं से। आई हैव सीन इट, यस, बहुत बहुत प्रॉब्लम। हमारे तो उल्टा है, मेरी बेटियों को अगर कोई ब्राइट कलर के कपड़े मिलते हैं तो वो मुझे दे देती हैं, आप पहनने का नहीं है आप ले ले। हां
मेरे साथ भी ऐसे, मेरी बेटी बुड्ढी रू है उसको डल बेज और मैं बताऊं आहिस्ता आहिस्ता वो आप जैसी हो जाए। बेटियां तो बिल्कुल सादिया, वो तो अब ऐसे भी शो में बैठी हो तो वो तो कहती है अब आप अम्मा के बारे, हाँ अम्मा ये भी है, अम्मा ये भी है, अम्मा ये, आप मुझसे मेरी बात कर रहे हैं क्या कहती है, हमें पता है ये सब। चलें भाई आप बताएं अपना रिस्क। अच्छा मेरा तो ये रिस्क जो है ना वो सब सब लड़कियों का रिस्क है। हाँ शादी शादी वो तो सबका है, सबका है वो। अच्छा सिर्फ लड़कियों का नहीं लड़कों का भी है, क्योंकि देखिए अगर अच्छी लड़की उनको नहीं मिलती लड़कों की भी जिंदगियां खराब होती हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि अभी हम लोग अपना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि लव मैरिज नहीं थी, अगर लव मैरिज में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है तो द रिस्क वाज गैम्बल, गैम्बल ही है शादी तो। नतीजा ये कि क्या ये रिस्क वाकई अच्छा था या खराब था। सो लकली इन स्पाइट ऑफ एज डिफरेंस और थी प्रॉब्लम्स थी सबकी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये रिस्क बहुत अच्छा था और लैला तो जानती भी है बहुत अच्छे थे जावेद, तो बहुत अच्छा रहा। इसके लिए हम क्या सबक दे सकते हैं लड़कियों को, अगर हम चारों मिलकर कुछ कहना चाहें, मतलब कि ये रिस्क भी लेने के लिए तो एहतियाती तदाबीर, जैसे इन्होंने डाइट की तो इन्होंने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की कि विटामिंस ले लिए, और वो तक उस मैं इस पूछना चाहूँगी कि हम उनको क्या गाइडलाइंस दे सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर हम किसी लड़के को परख रहे हैं लड़कियां कि अच्छा जी अरेंज मैरिज भी है तो अब उसमें क्या क्वालिटीज देखें। फिर ज्यादातर अरेंज मैरिज है वो तो फिर पेरेंट्स करते हैं ना सारी छानबीन, लड़कियां तो नहीं करती। असल में देखो हमारे यहाँ जो शादियां होती है ना वो दो फैमिलीज की होती है, लड़के लड़के लड़की नहीं, इसलिए फैमिली बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। जब मेरी भी बेटियों के प्रपोजल्स आए थे तो मेरी अम्मी ने यही कहा था कि तुम बस ये देखना कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और लड़की के एजुकेशन कैसा है, पैसा वैसा कुछ मत देखना क्योंकि वो फिर लड़की की किस्मत से आ जाता है। तो बस ये दो चीज़ें अगर देख लो सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा है कि आप अपने से बहुत ज्यादा स्टेटस पे ना जाएं और अपने से बहुत नीचे ना जाएं, अपने से बराबर। अच्छा देखिए ये वाली बात पुराने जमाने से चली आ रही है, वो सारे बराबर वाले, बराबर वाले, क्योंकि उसमें जरूर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इट डजंट वर्क। तो इट्स बेटर कि अपने लेवल पर, अपने लेवल पर बाद में तरक्की कर ले, बाद में कुछ कर ले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मैं मेरा ये कहना है और हमेशा से मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है हमेशा कहती रहूँगी कि आप बचपन से ही आप लड़का लड़की एक ही घर में पले बड़े हों, कजन्स होते हैं ना और फिर उनकी शादियाँ हो जाती हैं, फिर भी आपके जहन कभी नहीं मिलते एक जैसे जहन नहीं हो सकते। और अगर कोई कहे ये कि मेरी शादी तो ऐसी गुजरी है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा झूठ है। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि दो लोग तो होते हैं घर में हों और ये डिफरेंसेस होते हैं, एक पार्टनर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, वो या बीवी कर रही होती है या शौहर, और जो एक कॉम्प्रोमाइज करता है ना उस शादी को आप आइडियल शादी कह सकते हैं, इसके अलावा आप आइडियल शादी किसी को नहीं कह सकते। शादी ये नहीं हो सकता लड़की कुछ कह रही है तो लड़का भी मैंने माशाल्लाह 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 अब देखा है ये चीज भी ऐड हुई है, लेकिन लड़कों में पेशेंस कम होती है, लड़कों में कम, ठीक है लड़कियों में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी दोनों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तब अच्छी शादी। अगर एक एक कुछ अच्छा अमल कर रहा है ना तो दूसरे को उसको अप्रिशिएट करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो ये है कि जिंदगी वो जो असल में लव तो चले जरूरी है मगर रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इज्जत जरूरी है, अपने मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की इज्जत। अच्छा एक पुराना जुमला था भाई बराबर बराबर 50-50 होना चाहिए, इस उम्र में आकर और रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चले 50-50 कभी नहीं, 50 नहीं हो सकता कभी डिफरेंस नहीं नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है 50-50 नहीं 50-50 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ एक कभी कभार 90-10 का होता है, 90-10 होता है, कभी 60-40 होता है, कभी 30-70 होता है, और ये वैरी करता है हर लाइफ में। आपके बच्चे छोटे होते हैं कभी कभार ऐसा लगता है आपको कि औरत ज्यादा पिस रही है वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, औरत बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो उलट हो जाता है। लेकिन आप देख लेना फिर उसमें भी सबर और इंतजार और टाइम करना ये है।
सो हम ये ऐसा फार्मूला है ना कि जिसके बारे में आपको इतनी गाइडलाइंस नहीं मिल सकती, मगर जब अगर आप देख रहे हैं कि आपके लिए जो जो लड़का है कौन सा सूटेबल है क्या है, बस पिटाई वाला ना हो। हाँ, लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊं, इतने क्राइसिस में भी, इतने क्राइसिस में भी अगर कोई एक दूसरे को छोड़ने का नहीं सोचता ना, तो मैं इसको भी सोच कहती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी, बिल्कुल सही है। ये इतनी बड़ी बात है ना कि इस चीज को भी वैल्यू करना। दूसरा, हमारे जो आजकल के जो इंस्टा रील्स है माशाल्लाह से, उनकी वजह से कुछ इतने कॉम्प्लेक्सेस हो गए कि वो कपल कितने अच्छे से जिंदगी गुजार रहा है, वो सब ऐसा नहीं है जैसे ये कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बताऊँ, ये इंस्टा रील की बात आप कर रही है, बहुत अच्छी, इंडियन दो तीन आर्टिस्टों की ना, वो विदाउट मेकअप उन्होंने ना वीडियो बनाई, उन्होंने फिर कहा कि हर आर्टिस्ट, हर आम जिंदगी में रहने वाली खातून, हाँ, उसकी स्किन एज के साथ साथ ऐसी हो जाती है। बिल्कुल, इनको भी देखकर कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। करीना कपूर और रानी मुखर्जी की दिखाई, करिश्मा कपूर उसकी दिखाई, तो मैं कहती हूँ ये इतना अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा, कि आप इंस्टा को देखकर ना अपने आप को हवाओं में ना उड़ाएं, जैसे है रियलिटी। और हर किसी के जो घर का सिस्टम है ना वो अलग होता है, आपको किसी और के घर का सिस्टम समझने के बजाय उसको समझ जाएंगे ना, जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी, या उसे अपना ले। या हमेशा हम देखते हैं हमारी जो बहन है उसका, देखो उस हस्बैंड कितना अच्छा है उसके साथ, हमें वो कितना अच्छा लग रहा है, हम या दूसरा हमारे मियाओं को दूसरों की बीवियां अच्छी लगती है, भाभी देखो कितना अच्छे कबाब बनाती है, कितना वो घर, मतलब ये पता नहीं क्यों हो गया। हम लोग जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो हमें सबसे पहले यही चीज माइनस होती है, समझ, क्योंकि हम इतने लोगों को मिलते हैं, इतने लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिंदगी में इतना तजुर्बा हासिल कर लिया है कि कभी आप किसी से इंस्पायर नहीं होते, लेकिन आप ये ना सोचें इसके पास ये चीज है, मेरे पास एनवी नहीं करते, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके जी, बताएं भाई। हाँ जी, मेरा तो जी शोबिज में एंट्री सबसे बड़ा रिस्क। ओह माय गॉड, एक मतलब एक हस्बैंड जिसकी वाइफ्स को इजाजत भी नहीं, एक ऐसी जॉब पे जिसकी वाइफ्स को इजाजत भी नहीं, बस वो काजिम भाई अगर ना होते तो शायद आज मैं यहाँ बैठी ना होती। वैसे काजिम भाई ना होते तो मैं भी ना बैठी। ये तो है। That's true. तुम तो बिल्कुल ही है। हम सबके प्रोड्यूसर वही है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नहीं, इनके तो प्रोड्यूसर प्योर के प्रोड्यूसर है, हमारे भी प्रोड्यूसर वही पीटीवी में प्रोड्यूसर होते थे ना। हाँ, तो ये बड़ा रिस्क था आपकी, बड़ा रिस्क था मेरी जिंदगी में, क्योंकि एक तो ये था कि मेरे अपने बुजुर्ग जो थे वो फेवर में नहीं थे, क्योंकि उससे एक दफ़ा पहले मैंने कोशिश की थी, एक मुझे कमर्शियल ऑफ़र हुआ, उसमें वो फ्रेश फेस लेते थे तो मुझे वो ऑफ़र हुआ, और मैं बिल्कुल करने वाली थी, तो पता चला कि बुज़ुर्गों का एतराज़ हो गया और फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा। तो जब मुझे फिर वहाँ पे रेडियो मैं करती रही, उसके बाद जब काजिम भाई से क्वेटा में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तुम मेरा एक प्ले कर लो, एक 50 मिनट्स का प्ले है, मैंने कहा भाई मेरे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग खिलाफ़ हैं, मैं कैसे करूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ 50 मिनट्स का है, मगर ये कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। तारिक ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम 50 मिनट्स का प्ले कौन देखेगा, कर लो। यही स्टोरी मेरी भी थी। तो मैंने फिर ये रिस्क लिया और मैंने किया, और उस पर बहुत ज़्यादा मुझे सुनना पड़ा, कि पीटीवी था वो तो हर कोई देखता था। अच्छा, हम सोच रहे थे कोई नहीं देखेगा, 50 मिनट्स का प्ले है, एक सिंगल प्ले है, मगर भाई नेक्स्ट डे धड़ाधड़ फोन आने शुरू हो गए, सबने देख लिया, फिर तो जाहिर है उस पर काफी हंगामा भी हुआ, मगर ये कि तारिक ने फिर सपोर्ट किया, उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए, और फिर जब मुझे दूसरा, तो ये रिस्क तो उन्होंने लिया, आपने तो नहीं। रिस्क तो मैंने लिया था कि मैं मेरे मुझसे ना नाराज़ हो जाए सब, मगर ये कि संभाल लिया उन्होंने, शुक्र है। तो फिर ये कि जब दूसरा प्ले ऑफर हुआ, कुफरान इम्तियाजी साहब थे, उन्होंने कहा एक मेरा प्ले कर लो, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने तो बस काजिम भाई से एक प्ले का वादा किया था, उन्होंने कहा तो तुमने काजिम से किया था ना, ये मेरा प्ले है मेरा। तो मैंने तारिक से कहा मैं क्या करूँ, सब पहले इतने नाराज़ हैं, कर लो कुछ नहीं होता। फिर मैंने कर लिया, मगर उसके बाद ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी, पॉपुलैरिटी मिली,
तो उसके बाद बाकी सब बुजुर्ग भी ठीक हो गए, खुश हो गए, बल्कि बाद में वो मुझे मिलवाते थे कि ये है जी लैला ज़ुबैदी। अच्छा मजे की बात है, मेरे ससुराल ने कभी नहीं ऑब्जेक्ट किया, और जिनसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी अम्मी, जब वो जब ऑनलाइन गया मेरी अम्मी ने तो हंगामा कर दिया और मेरे मियाँ को भी डांटा, मुझे भी कि तुमने तो पता नहीं क्या कर दिया, कौन हमारे खानदान में कोई नहीं आया। ये सब ये था ना कि हम लोग की फैमिली में पहले कोई नहीं था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखा एक टैबू भी था ना, अच्छा नहीं समझा जाता था, लोग समझते थे जनरली। अभी भी बहुत, अभी भी हालात फिर भी उतना नहीं है, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद और बहुत सारी चीजें सीखने का मौका सिर्फ यहाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मज़ेदार कंपनी है आज की, और इस मज़े के साथ एंटरटेनमेंट के साथ वो वाली बातें हैं जो कभी कभार हम वाकई रिग्रेट करते कि हाय हम कैसे लोगों में बैठ गए हैं, हमें तो कोई गॉसिप के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त मेरी इतनी अच्छी सुबह हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों के साथ। सुने हम गॉसिप्स भी करते हैं उसमें लोगों को टिप्स भी दे रहे होते हैं उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हम आपस में मिल भी लेते हैं। बिल्कुल। सो आपके नेक्स्ट रिस्क की तरफ चलते हैं। मेरे आपके रिस्क जिंदगी में अभी तो याद आते जाएंगे ना, और अरे ये भी तो रिस्क था, ये भी तो रिस्क था, ये जो था ना रिस्क मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क, ये तो वाकई बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये ऐसी चीज है कि मतलब मैं बहुत डरती हूँ हमेशा, और इसके बाद से आज तक मैंने जिंदगी में बहुत फायदे उठाए, सीखा बहुत अच्छा। और ये रिस्क आपको मैं बताऊँ, ये कोई 13 साल पहले मैंने कहीं इन्वेस्ट किया किसी प्रोडक्शन हाउस में ही, अच्छा लाहौर में। मुझे ये लगा कि चलें, पहले तब आपको पता है सिंगल प्रोड्यूसर भी हुआ करते थे, तो चलें हम साथ मिलकर कुछ कर लेते हैं। एक मैंने सोप किया, उसके भी पैसे मैंने उधर ही इन्वेस्ट कर दिए। फिर मैंने एक कमर्शियल प्लॉट ख़रीदा हुआ था अच्छे वक्तों में, उस वक्त उस आप सोचें वो 13 साल पहले कमर्शियल प्लॉट लिया होगा मैंने, कैसे लिया होगा पैसे जमा कर करके मैंने वो प्लॉट बेचा, मैंने अपने ड्रामे के पैसे और जो मेरे पास था, और कुछ मेरे पास गोल्ड भी था, मैंने वो भी बेचा। तो मैंने एक अच्छी अमाउंट उस वक्त इन्वेस्ट की, कोई 50 लाख, जिसमें से आज तक मुझे मर मर के अभी भी कोई 22 लाख उनकी तरफ है जो मुझे नहीं मिले। अच्छा, और कैसे मिले? लाख रुपया, 1.5 लाख, इसका तो पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता तोड़ तोड़ के। तो वो मेरी जिंदगी का ना इतना बड़ा बुरा। और उसके बाद मैंने सबक सीख लिया कि पैसा वो जो आपकी जेब में है, वो चाहे कागजात की शक्ल में है, सही बात, चाहे आपके अकाउंट की शक्ल में है, आप किसी को जब पैसा पकड़ा देते हैं ना, आप अपने हाथ काट के दे देते हैं, सही बात। तो ये जिंदगी में नहीं करना। उसके बाद मैंने बहुत सीखा, और ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैंने उसके बाद इतना कमा लिया कि मुझे शायद मैं पैसे के चले जाने को दुख नहीं समझती, मैं एतबार के चले जाने को ना बहुत बड़ा समझती हूँ, कि जिसका एतबार जाता है ना वो डिजास्टर है जिंदगी का, उसकी जिंदगी का। बिल्कुल, पैसे से अगर कोई आजमाया जाए तो फिर ये सस्ता सौदा है। नहीं तो ये, लेकिन आप क्या उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट करने में रुकी नहीं, मैंने कभी की नहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट। मैंने फिर प्लॉट, आप वैसी इन्वेस्टमेंट करें, आप प्लॉट लें, आप घर बनाया, मैंने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी किया वो किया। अच्छा, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी इसमें मेरे शौहर मुझे मना कर रहे थे, क्योंकि मेरे मियाँ रिस्क नहीं लेते, मैं बड़े बड़े रिस्क ले लेती हूँ, ये भी मेरा फैसला था, जो कि आज तक वो मुझे ताना देते हैं, ये तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने कहा मैंने उसके बाद सीखा भी तो बहुत, तो जब तक आप रिस्क ना लें आप सीखते भी नहीं सीखते। तो आप कहती हैं कि इस तरह के छोटे मोटे रिस्क लेने चाहिए, इससे आपकी सीख होती है? नहीं, मैं तो कहती हूँ नहीं, मैं मेरे उससे सीखे कि पैसे के मामले में, पैसे के मामले में मुझे भी बुरा तजुर्बा हो चुका है एक दफ़ा। अच्छा, मुझे जब मतलब ड्रामे के पहली दफ़ा पैसे मिले तो किसी ने कहा कि भाई आप इन्वेस्ट, यहाँ पे किसी कंपनी थी कोई, इसमें इन्वेस्ट कर दें और आपको मंथली इतने पैसे मिलेंगे। अरे लालच आ गई, और बहुत से लोगों को ये लालच हो जाती है। शुरू में वो मिलते रहे, कुछ महीने मिले,
उसके बाद वो कंपनी गायब। अरे बड़ा होता था एक जमाने में, बहुत होता था। कितने कितने पैसे लेके भाग गए, मेरे अम्मा अब्बा कितने बेचारे होंगे पैसे लेके भाग गए। और सब लोग हो रहे थे, क्योंकि मतलब उस वक्त वो लोग नौकरी पेशा लोग थे, कोई बिजनेस थोड़ी करते थे, तो उन्होंने इतनी मेहनत से जमा करके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिया और वो भाग गई रातों रात। सबसे बड़ा फायदा मेरे पैसे मिले इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो ये हुआ कि कोई आपको कितना भी चांदी और हीरे की ऑफर क्यों ना करे, मैं कभी खुश नहीं होती। मैं कहती हूँ अगर ये ऑफर कर रहा है ऐसी, तो इसमें इसका क्या फायदा है? दूसरे का फायदा इसका फायदा ये है कि ये एक दो महीने चलेगा और उसके बाद पूरे पैसे ही जाएंगे। तो ये भी बड़े लोग करते हैं, बाकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, तो मगर मैं यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज इस तरह की चीजों में फंसे नहीं। और स्कैम बहुत स्कैम्स आजकल बहुत ज्यादा है इस तरह के। अब तो डिजिटल ऐसा इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है जो बहुत ज्यादा है और इट्स नॉट नेचुरल के भाई इतना वो हमेशा कहने में तो यही कहते हैं ना जिनके साथ इन्वेस्टमेंट करें, वो कहते हैं जी बैंक इतना देता है, बैंक इतना देता है। अब तो आप बैंक पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। भाई मैं आपको बताऊं, मेरी दोस्त है जो कि उसका स्टेटस डिप्लोमेटिक स्टेटस है और इतनी समझदार पढ़ी लिखी एम्बेसडर रह चुकी है, उसको फोन आया, बातों में आ गई, उसको फोन आया कि आपके नाम गाड़ी निकली है, ये तो हमें बहुत आता है, 50,000 रुपए आप जमा कर दें और आके गाड़ी ले जाएं। तो उन्होंने 50,000 जमा कर दिया और उन्होंने ऑफिस का पता वता बताया कि वहाँ से आके ले जाएं। वहाँ गई तो कोई ना ऑफिस था ना कुछ था। तो ये तो देखिए ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये तो ये सारे देखने वालों को ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस तरह की हर दूसरे दिन। अच्छा ये तो आप छोड़ी दें, मेरी रिलेटिव डॉक्टर है पढ़ी लिखी, उसको फोन आया बैंक से, फोन कर रहे हैं आप अपना जो है फला 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 पिन और ये सब चीजें बता दे। उस बेचारी ने बता दी, उसके पैसे निकाल लिए। मैंने कहा ये तो इतना आम फ्रॉड है, ये तो कर रहे हैं इस तरह। और एक दफा तो मुझे उसी बैंक के जो टोल फ्री नंबर होता है उससे कॉल आई, झट मैंने अपने बैंक को फोन किया, मैंने कहा भाई ये तो नंबर भी अब वही आ रहा है, तो ये कौन लोग हैं जो इतने हैकर बैठे हैं। ऐसा हो जाता है, मैं जब शुरू में ये एटीएम कार्ड वगैरह बने तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें बना दिया ना तो तुम तो सारा वक्त बस सिर्फ शॉपिंग करोगी और कार्ड के भूल भी जाओगी और किसी को पिन भी बता दोगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता, ऐसा नहीं। मैंने पहला कार्ड अभी मैंने यूज़ भी नहीं किया था, गाड़ी में ही कहीं गुम कर दिया, वो बाद में सर्विस हुई तो पता चला कोई कार सीट के अंदर था। फिर दूसरा निकलवाया, उन्होंने कहा ये तो तुम कराची जाके। अब मैं कराची आई, मैंने शॉपिंग की तो वो मैंने कार्ड, मुझे इतना पता नहीं था, अब वो डाला तो उन्होंने कहा कि ये इतने ज़्यादा कस्टमर खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि आगे किया पिन डाल दे। मैंने कहा ये नंबर, अरे सबने मेरी शक्ल देखी, सबने मेरी शक्ल देखी। मगर अगर नहीं पता ना टेक्नोलॉजी का तो ये इन चीजों का रिस्क ना बनाए, पिन कैलकुलेटेड रिस्क ले, होमवर्क करें। इन दिनों में हमारे इस्लामाबाद में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ ये स्कैम कि उनको आता है कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं या आप या फ़ोन की कंपनी से बात कर रहे हैं और आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आपको हमें कोड भेज रहे हैं, वो कोड आप हमें भेजें। वो कोड भेजा और वो नंबर भी ऐसे नंबर से आता है कि लगता है कि जी फ़ोन का ही ऑफिस होगा। और उन्होंने किया, मेरी अपनी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ही हुआ, उन्होंने उस पर वो नंबर डाल दिया और उनका पूरा फ़ोन हैक हो गया और उसमें ज़ाहिर बैंक डिटेल्स मिलती है सब कुछ। और फिर उसने उस नंबर से सब फ्रेंड्स को मैसेज किया कि मैं मुझे इस वक्त पैसों की बहुत शदीद ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे 30,000 रुपीज़ अभी भेज दो। और मेरे पास भी आया और भी बहुत सारी फ्रेंड्स के पास गया। मैं तो समझ गई, मैंने कहा ये मेरी दोस्त कभी मांग नहीं सकती, तो मैंने तो उसी वक्त ब्लॉक कर दिया नंबर। बाद में पता चला कि उसका वो हुआ था और कुछ लोगों ने भेज भी दिए पैसे। नहीं अब तो ये गन पॉइंट पे जो रोक रहे हैं, अब जो ऑनलाइन बैंकिंग है ये भी रिस्क है क्योंकि जब गन पॉइंट पे आपको लूटते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि अच्छा ये फोन दो और इसमें जो बैंक अकाउंट है पासवर्ड डालो। द मोमेंट दे पुट द पासवर्ड तो वो सारे पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छा अब लेकिन उसके लिए एक फायदेमंद चीज है, आप अपनी जो सेटिंग्स में जाके जो आपका डेली का वो अमाउंट है ना
वो एक उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ये हो, लेकिन आपके हाथ में होता है ना कि आप कितने पैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हो रही है, अल्लाह जहां फैसिलिटीज है ना वहां पर अल्लाह अपनी हिफाजत बहुत ज्यादा। ये एक पूरा एक अलग टॉपिक भी टॉपिक है इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। जैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, हम जैसे होता है ना जोड़ी आप कह रहे हैं ना, तो मियाँ और बीवी में कोई एक बहुत डेयरिंग होता है। मैं बहुत डरती हूँ कोई प्रॉपर्टी खरीदने से, मैं 10 दफा सोचती हूँ। वो मेरे मियाँ इस चीज में डेयरिंग है, अगर हम किसी घर में बैठे हुए हैं आज तो वो क्रेडिट मैं यासिर को देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कैसे होगा क्या होगा। कहते नहीं होगा तो जवानी है रिस्क लेने की। वो हमेशा से मुझे ये कहता रहता है देखो बुढ़ापे में रिस्क नहीं लेना, जवानी में लेना है, हार जाएंगे बिखर जाएगा दोबारा बना लेंगे। लेकिन एक सर्टन एज के बाद फिर आपकी हिम्मत नहीं रहती जीरो से शुरू करने की। सो जो एक सर्टन टाइम है लाइक 20s 30s, ये वो टाइम है जहाँ आप रिस्क खेल सकते हैं। जॉब स्विच करनी है, मुल्क चेंज करना है, शहर बदलना है, ये सब आप उस वक्त कर सकते हैं। पर एक सर्टेन टाइम के बाद फिर आपको जिंदगी में ठहराव चाहिए, सेटल्ड लाइफ चाहिए। हाँ। अच्छा, मेरे केस में भाई अब तो सीढ़ियां भी सोच सोच के उतरते हैं कि गिर ना जाए, पांव ना मुड़ जाए। क्या कह रही हैं आप? सॉरी, मैंने कहा मेरे केस में मैं डरपोक थी। हाँ, नहीं कर सकती। और ये इन्वेस्टमेंट्स और ये घर खरीदना या जो भी कुछ है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। माय हस्बैंड वाज अ डेयर डेविल, डेयर डेविल तक कूद जाते थे हर चीज में कि हो जाएगा। तो देखिए ये डेफिनेशन गलत है कि दोनों को एक जैसा होना चाहिए। नहीं भाई, एक जैसा नहीं, वो बैलेंस होता है पता है। एक प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही तो एक कपल बनाता है। और देख भी लेते हैं ना कि अच्छा अगर बीवी इतनी सबड्यूड है और नहीं कर सकती तो मर्द ऑटोमेटिकली जरा बोल्ड हो जाता है और वाइस वर्सा। यस यस एग्जैक्टली। सो अब आपकी बारी थी। अच्छा, मेरी बारी थी। अब क्या रिस्क मेरा जो है? हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क था कमिंग बैक टू सिविल लाइफ, बिकॉज हम आर्मी बैकग्राउंड थे और बहुत अरसा आर्मी में रहे, एक खास लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी थी। और मैं तो कभी ये रिस्क ना लेती, लेकिन एट वन टाइम जब बच्चे बड़े हो रहे थे माई हस्बैंड टुक दिस स्टेप। और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि यू नो अब टाइम आ गया कि बच्चों को या तो बाहर भेजें और या फिर हम उनको यहीं पढ़ाएं। तो उसके लिए फिर ये था कि उनकी शर्त ये भी थी कि जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, बच्चे अकेले नहीं जाएंगे। तो फिर ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन और कुछ अरसे तक जॉब थी भी कहते नहीं। हैं सारी कश्तियां जला के जब आप अपना मुल्क छोड़ते हैं और दूसरे मुल्क जाते हैं तो वाकई मैंने कितने लोगों को देखा। सबसे पहले तो आप ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि बहुत मेहनत करनी है, जीरो से शुरू करना। यहाँ आने के लिए कोई नहीं सोचता, वहां जाके बहुत सी निदा चीजें थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी शादियां, उनके कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी, प्लस घर बना लिया था हमने इतना अच्छा डिफेंस में, बड़ा हम आराम से सुकून से रह रहे थे। एंड सडनली माय हस्बैंड से नहीं जाना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, करियर के लिए, बच्चों की सेक्रीफाइस। और आज उस वक्त मैंने बहुत लड़ी भी और बहुत गुस्से भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में मेरा मियाँ का जाना था तो एटलीस्ट माई किड्स आर सिक्योर्ड, जॉब्स हैं, पढ़ लिया वहाँ पे सब कुछ, और मेरा भी वहाँ पे लाइसेंस हो गया एवरीथिंग। सो वही कहते हैं ना, जो अल्लाह आपके लिए एक प्लान करता है ना, प्लान जो करता है वो बेहतर प्लान होता है। समझ आती कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह को पता होता है कि आगे इसमें बेहतरी है। तो फॉर टाइम बीइंग हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं कि यार ये तो सब गड़बड़ हो रही है, तो लेकिन अल्लाह के प्लान अल्लाह ताला की करता है, छोड़ देना चाहिए। बट इट वॉज अ बिग रिस्क, ये कितने दिन तक हमारे पास जॉब भी नहीं थी। तो इट वॉज अ वेरी, मतलब लाइक मेरे भी एक रिलेटिव हैं अच्छे, यहाँ वेल सेटल्ड थे, उनके बच्चे छोटे छोटे थे और उनको शौक था बस कि किसी तरह यहाँ वेल सेटल्ड, यंग दोनों मियाँ बीवी थे, बच्चे छोटे छोटे, उनको शौक था चाहे कुछ भी हो मुझे तो भाई बाहर की जिंदगी ये अट्रैक्टिव लगती है। हम एक दफ़े एक वेकेशन पे गए और हम उनके घर गए तो हमें बड़ा दुख हुआ जा, हमें कहा कि यार इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के नौकर चाकर ये वो उधर इतनी ऐसी लाइफ क्यों गुजार रहे, जबकि मतलब लाइक सही है मेहनत करना ज़रूरी है लेकिन एक डिग्निटी होती है आपकी वो। सो हम बड़ा उनको समझा के आए, हम उनका माइंड ब्रेन वॉश करके आए, हमने उनको समझाया, हमने कहा रह लिए ना तुम लोग इधर, बच्चे देखो छोटे हैं, अभी बड़े होंगे उनकी एजुकेशन हायर एजुकेशन होगी आ जाना, लेकिन तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी है इस मुल्क में,
बिल्कुल उसको नहीं, जो जो वेल सेटल्ड है ना, सही बात है वो, अगर आप अपने बच्चों की वजह से गई कि उनको अकेला नहीं भेजना मुझे, और दूसरा पढ़ाई के लिए ये भी था, मेरा पूरा घर वहाँ पे था, मेरे माँ बाप, मुझे और वाकई लाइफ टफ थी। हमने भी एक दो कमरों के अपार्टमेंट से शुरू किया था और पढ़ा भी और जॉब्स भी करी। इट इज टफ, ये पाकिस्तान के तो वाकई ये लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता, लाइफस्टाइल है। बट वंस यू आर डन विद ऑल दैट, एक स्टेज आती है कि आप फिर ये, अब जैसे मेरी ज्यादातर फैमिली बाहर है, अब सब मुझसे कहते हैं तुम वहाँ पे क्या कर रही हो अकेली, तुम भी आ जाओ। मैं कहती हूं आई एम वेरी हैप्पी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है आने की, बस कभी कभी जाके मिल लेती हूँ, दैट्स इट। मतलब हम लोग सोचो 17 फर्स्ट कजिन्स हैं एंड मैं सिर्फ अकेली हूँ जो पाकिस्तान में, 16 बाहर है और सब मेरे चचा फूफियाँ सब बाहर। तो सब कहते हैं तुम अकेली क्यों हो वहाँ पे, तो मगर मेरे लिए एक तो ये एडवांटेज है कि तानिया यहाँ पे है, बेटी मेरी, बड़ी बेटी और अम्मी वगैरह सब दुबई में है, वो भी करीब है, तो वो इतना मसला नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ लेकिन ये वाकई एक मुल्क की बात कुछ और, अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर आप बड़ा रिस्क, मैं बताऊं निधा का, वेल सेटल भी हो जाओ ना, एक आपकी हुक होती है, एक होती है पाकिस्तान, हालांकि पूरा यूरोप है, क्यों लोग छुट्टियों में सिर्फ पाकिस्तान आते हैं, देयर समथिंग जो आपको खींचता है अपने मुल्क के लिए, तो वो आप कभी भी सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेटस शहरी हो, ये सबसे बड़ी बात, अपने मुल्क के आप पाकिस्तानी हैं, आप कुछ भी हो, आप ब्राउन पीपल ही होंगे, ब्राउन पीपल रहेंगे, और यहाँ पे आप सीना तान के चल सकते हैं, जो मिलती है वो वहाँ थोड़ी मिलती है उस तरह की, यहाँ तो नहीं, अब तो हम लोगों को बाहर भी, अब निदा से पूछे ना, जाती रहती है बच्चों के लिए, कैसी वहाँ पर पहचान मिलती है, पहचान तो है मगर फिर भी वो अपने 10,000 दफा सोचो, पहचान निदा ने यहाँ पहले बनाई है, यही बनाई इधर है, लेकिन घूमने के लिए जा सकती हूँ, लेकिन जब मैं रहने का सोचते हैं दिल ऐसे होना चाहिए, बहुत मुश्किल है। चले जी आपका रिस्क, हाँ छोटा सा रिस्क है मगर ये कि उससे सबक सीखा जा सकता है, ऐसा रिस्क है कि मैं कहती हूँ कि जो जिसका जो काम है उसी को साचे, यस दिस इज यानी हर चीज में आपको घुसने की जरूरत नहीं हो रही है। एक ज़माने में तानिया ने कैंडल्स बनानी शुरू की और उसकी इतनी अच्छी कैंडल्स बनती थी और बड़े ऑर्डर्स आते थे, कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा वो उसको होते थे, तो मुझे लगता था कि बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल ही नहीं है कैंडल बनाना। तो एक दफ़ा वो गई हुई थी कॉलेज और घर में कोई भी नहीं था, मैंने कहा चलो आज मैं कैंडल बनाती हूँ। अच्छा तानिया किरण की शादी होने वाली थी, अच्छा मैं ना कुछ दिन ही रह गए थे, तो मैं चली कैंडल बनाने और ज़ाहिर है मुझे तो सारी बेसिक उसकी चीज़ें नहीं पता थी, वैक्स में आग लगी और वो मेरे हाथ पे और मेरा पूरा हाथ बर्न हो गया और घर में कोई नहीं, फिर मैंने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा तारिक जल्दी से आए मेरा हाथ जल गया, वो आए फिर हॉस्पिटल लेके गए मुझे, वहाँ पे मैं रोई जाऊँ, डॉक्टर कहने लगे ड्रामों में तो आपको रोते देखा था, आज मैं मैं उनसे कहूँ रो रो के डॉक्टर साहब मैं गाड़ी कब चला सकूँगी, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, बड़े काम है मुझे, तो हंस रहे थे कहते इनको ये फिक्र पड़ी हुई है ना गाड़ी कैसे चलाऊंगी। तो वही सब ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कैंडल बनाने की, मैंने कहा वाकई जो जिसका काम है ना उसी को करना चाहिए, या तो आप प्रॉपर सीखें, बगैर सीखे हुए किसी चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो बहुत सारी मैंने खवातीन देखी है वो थोड़ी डेढ़ होशियार होती है और वो फिर हर चीज खुद कर रही होती है, इतने नुकसान उठवाती है, मेरी बेचारी मदर इन लॉ कितनी दफा तो सीढ़ियों से गिर चुकी है, दो छत्ती पे घुस जाती, चार चार बेटे हैं आपके घर में, दो छत्ती पे घुस जाती थी अपने हस्बैंड के सूट और वो खिदमत गुजार बेगम थी, बत्तीसी तोड़वा ली, कभी हड्डी तोड़वा ली, कभी मतलब कितने अस्पतालों के वो डेढ़ डेढ़ महीने पैनल पे था, तो डेढ़ डेढ़ महीने अस्पताल में ही रही है। सो मैं कहती थी कि भाई इतनी मर्द मार नहीं हो जब आपके इतने मर्द हैं, हर चीज नहीं कर सकते, हर काम जो है ना खुद नहीं करनी, हर काम बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ ना कुछ तो सीखेंगे हम आज की सुबह। तो अब सब आपकी बारी है, मेरी बारी है। सबने बता दी ना अपने एक एक रिस्क, बिजनेस बिजनेस और ये बहुत बड़ा रिस्क था, ये बहुत बड़ा रिस्क था, बिजनेस करना नहीं इसको छोड़ना,
शो बिज के लिए बिजनेस छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क, एक बिजनेस के लिए दूसरा बिजनेस, दूसरा बिजनेस। तो मैं जब फैक्ट्री थी मेरी, मैंने अब तो खैर कितने ही शोज में बता दिया के कुलसुम आपा के, मरियम नवाज के मैं कपड़े बनाया करती थी। आपने हमारे शो पे शायद बनाया था। तो मैं मतलब इस लेवल के मैं बनाया करती थी और बड़े पसंद किए जाते थे। फिर फैमिलीज का, फिर मैंने ग्रेजुअली बढ़ाए अपने वर्कर्स। तो मैं जब बंद कर रही थी फैक्ट्री, तो मुझे एक अच्छी खासी अमाउंट आखिर में सब खर्चे निकाल कर बचती थी। तो मुझे ऑफ़र हो रही थी ड्रामों की, और वो कराची से। तो मैं तो डरती थी, मैंने कहा नहीं भाई कराची में कैसे काम कर सकती हूँ, बिजनेस मेरा इधर है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो तुम्हारा शौक है तुम करो, इधर तुम ऐसा करो किसी और डिज़ाइनर को हायर कर लो। तो मैंने कुछ एनसीए के बच्चे हायर भी किए, और वो जो डिज़ाइन बनाते थे मुझे बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन जिनके लिए मैं बनाती थी उनको भी अच्छे लगते थे, लेकिन उनके बिकते नहीं थे। वो कहते थे बाजी इस दफ़ा अब आपके ना कपड़ों में कुछ है गड़बड़, इतने प्यारे होते हैं लेकिन वो बिक नहीं रहे। वो क्लाइंट कहता है कि जो आपका पहले टेस्ट था ना वो ये टेस्ट नहीं है। तो मुझे तो पता है लेकिन आपने जो डिज़ाइनर रखे हैं ना मुझे लग रहा है कि वो कोई गड़बड़ है। अच्छा, फिर नाम भी ख़राब होता है आपका। तो मैंने फिर बड़े इस्तखारे किए कि मैं क्या करूं, मुझे इधर से इतनी अच्छी ऑफर्स थी। मैं डरती थी कि आप एक चलते बिज़नेस को बंद करेंगे तो अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, रोज़ी रोटी को आप रोक रहे हैं। तो बहुत बड़ा रिस्क था। तो मैंने 6 माह लगाए इस सोचने में कि मैं छोड़ूं, मैं कराची शिफ्ट हूं, मैं ना हूं। ये मैं आपको बात बता रही हूं 20 साल पहले की, और 20 साल पहले मैं कपड़ों के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही। हाँ बिल्कुल। फिर बस एक इस्तखारा किया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं बंद कर दूँ। और वैसे भी है ना कि आप हिजरत करने से ना उसका बड़ा फ़ायदा होता है, हिजरत का। तो बस मैंने बंद किया और मैं कराची आ गई, और उसके बाद आज तक मैंने पलट कर नहीं देखा। और मुझे बिल्कुल भी कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने एक बिज़नेस छोड़ा इस बिज़नेस के लिए, क्योंकि उस बिज़नेस में आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो हो रहे हैं, आप वर्कर्स में बैठे हैं, चादरें लेनी है आपने, फिर आप, मैं परचेजिंग खुद करती थी, मैं डिज़ाइनिंग खुद करती थी। कितनी ऐसी कलर स्कीम्स हैं जो कि प्योर मैंने बनाई, जैसे फिरोज़ी के ऊपर ब्राउन का सबसे पहले मैंने बनाया था डिज़ाइन, और वो उसके बाद फिरोज़ी के ऊपर ब्राउन या ब्राउन पर फिरोज़ी बहुत हिट हुआ कलर स्कीम। इसी तरह मैंने ऑरेंज की बहुत, तो मुझे और मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, मेरा शौक था शुरू से। लेकिन जब यहाँ आकर मैंने शोबिज में एंटर हो गई पूरी तरह, तो मुझे कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं, रिग्रेट। लेकिन अब मैं फिर सोच रही हूँ फिर हिजरत करूँ। हाँ, फिर करूँ तो अल्लाह ताला शायद उसने। इंसान जो है वो एक तरह की ज़िंदगी से ना उगता भी जाता है, थोड़ा कभी कभार चेंज आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है। आप देखिए आप अपने असल की तरफ लौट के तो जाते हैं। तो मेरा असल तो लाहौर है ना, और मैंने ज़िंदगी यहाँ गुजार दी है। तो मैं अब अभी मैंने सोचना शुरू किया, अभी कोई ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो एक मैं बहुत कुछ भी करने से पहले मैं उसका ब्लैक एंड वाइट ज़रूर देखती हूँ। ग्रे में मैं कभी फैसले नहीं करती, वो बाकी फाइनल तो अल्लाह का होता है फैसला। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, सारी ज़िंदगी अगर आप अपनी नज़र डालती हैं तो क्या 10 में से क्या आप अपने आप को परसेंटेज देंगी, 5, 6, 7, 8 रिस्क कितने लिए आपने लाइफ 10 में से? अगर मैं आपसे मेरे ख्याल में 10 में से 10 ही रिस्क लिए हैं। बहुत रिस्क लिए मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उस रिस्क में मैं यही कहूँगी कि जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं होती, जिसमें मेरा फ़ायदा नहीं होता, वो रिस्क हमें ये लगता है कि इस ये हमने रिस्क लिया, गलत लिया। लेकिन लेटर ऑन उसका फ़ायदा ही होता है, क्योंकि एक फैसला हम करते हैं, एक ऊपर वाली जात करती है। बिल्कुल, जो फेलियर होता है उससे एक्सपीरियंस आप सीखते हैं, फेलियर से जो सीखते हैं आप, नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं करते। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो टाइम भी नहीं रह गया, अब टाइम ही रह गया, बहुत टाइम है अब तो। आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई है। वो केएफसी के लिए कहते हैं ना, बुड्ढे बाबा जो हैं वो 60 साल में अपना बिजनेस शुरू किया, मतलब लाइक
एक मिसाल है, जुबैदा आपा जो है उन्होंने 50 साल के बाद वो करियर में आई, सो ये कोई है ही नहीं, इसके लिए तो कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, सो ज़हन चलना चाहिए, ज़हन चलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत हो तो सब जी। आपका आपका रिस्क? मेरा रिस्क क्या था, हाँ बेटी को सिंगापुर पढ़ने के लिए भेजना, वो भी फर्स्ट बॉर्न। अच्छा, सब लोगों को आपने अमेरिका में पढ़ाया और ये सिंगापुर गई? ये असल में शी वांटेड टू गो टू सिंगापुर, और उसको माशाल्लाह ऑनर्स भी मिला, ऑनर्स डिग्री भी मिली, बहुत अच्छे उसने किया। स्कॉलरशिप थी क्या, क्या स्कॉलरशिप जाके ली उसने, लेकिन उस वक्त हम लोग इन द ट्रांजेक्शन थे, मतलब जाने के लिए, और वी वांटेड हर टू गो टू सिंगापुर। अच्छा, तो मैं तो रो रो के बुरा हाल, मैं तो हुई बहुत टिमिड सी और इतना नर्वस एंड ऑल दैट, लेकिन अगेन माय हस्बैंड, क्रेडिट गोज टू हिम, ही स्टूड अप, उसने कहा नहीं इसके करियर के लिए बहुत अच्छा है, इसको जाने दो। तो वो रिस्क मैंने लिया, और सिंगापुर बीइंग अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, यस, तो उसने हम घूमने भी जाते तो हम सोचते हैं बस 4 दिन, तो वहाँ उसने खैर हार्डशिप्स भी उठाई बहुत, और उसने किया बहुत अच्छी तरह, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, खुदा ना खासा कुछ हो ना जाए वहाँ पर, क्योंकि उस वक्त तो इतना डर, सेफ है लेकिन वो जगह बड़ी सेफ है, बड़ी हमारा अच्छी जो वो टाइम पीरियड था वो ऐसा था कि कभी बच्चों को अलग ही नहीं किया था, बड़ा मुश्किल, तो वो इतना मुश्किल था कि वो रोज़ लड़ाइयाँ मेरी और बहुत मूड्स ऑफ मेरे, एंड मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं बहुत ज़रूरी है जाना जाना है। ये बड़ा कपल में बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पे बच्चों को अलग करें, कुछ किसी और शहर में यूनिवर्सिटी में भेजें या किसी और मुल्क में भेजें, तो कपल्स में बड़ी रिफ्ट चलती रहती है, एक कहता है नहीं एक कहता है हाँ, हाँ, और माओ का दिल होता भी ज़रा, और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर बच्चे बन जाते बन जाए तो चलो सही है, लेकिन अल्लाह ना करे बहुत सारे लोगों के बच्चे बिगड़ भी गए, बहुत छोटी उम्र में जब भेजते हैं ना, तो फिर बड़े यही तो डर होता है कि बीमार पड़ गई तो कौन लुक आफ्टर करेगा, फिर लोगों को सिंगापुर में ढूंढा कौन जाने वाला है, ये सोचती हूँ ये हम पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं, अंग्रेज तो 18 साल का बच्चा होता है और बस बाय बाय टाटा, 18 साल के बाद खुद बिल्स दो, खुद घर का खर्चा उठाओ, खुद तभी वो लोग इतने रिस्पॉन्सिबल भी, लेकिन इधर इसका ड्रॉबैक भी है ना, इसका फ्लिप साइड देखो ना कि वो सीनियर हाउस में भी पड़े हुए होते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आपने अपने बच्चों को जब नहीं दिया तो आप वही वो बच्चे भी आपको इतना ही रिटर्न करेंगे जितना आपने इन्वेस्ट किया। मुझे बड़ा ऐसा और दुख होता है कि लाइक 18 साल का बच्चा यार कैसे घर बनाएगा, किराया देगा, क्या करेगा, 18 से भी पहले हम लोग तो ये सोचते हैं, 18 से भी पहले द मोमेंट वो कोई और जॉब करना शुरू करता है बच्चा, तो माँ बाप कहते हैं इस कमरे का किराया तुमने देना है, तो हमारी वैल्यूज हम लोग नहीं करते, हमारी वैल्यूज डिफरेंट है, हमारी वैल्यूज की तो कोई बात ही नहीं, और अब वो हमारी वैल्यूज को, मैं तो बड़े बुजुर्गों को भी देखा अभी भी काम करें पाकिस्तान में, ओके भाई मैं फारिग नहीं रहना चाहता हूँ, घर पे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं बात करते हैं, और फिर देखो बच्चे कितना करते हैं माँ बाप का, बड़े हो जाते करते रहते हैं बच्चे, बिल्कुल हमने उनको आपने किया होता है ऐसे लेके चलें कि वो उनको पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो ये नहीं कि हमने 14 साल की उम्र का जाओ बेटा कमाओ और घर का किराया देना इस कमरे का पानी बिजली का भी सारा, एग्जैक्टली। सो अब तो वो लोग भी जब उनको एक हैप्पी फैमिली दिखानी होती है ना, तो वो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर अब वो भी दिखाने लगे हैं, तो अब उनके वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे फैमिली का, फैमिली वैल्यूज, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल जी। आपकी तरफ चल, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें बिजनेस इन लोगों ने किया, इन्होंने किया, सबाने ने किया, तो बिजनेस का एक नैग होता है, हर शख्स बिजनेस कर नहीं सकता, हाँ बिल्कुल, हर किसी का दिमाग नहीं होता बिजनेस का। एक दफा मैंने भी कोशिश की अब ज्वेलरी का करती तो थी वो उनकी बेटी करती थी, तो वो अच्छी करती है, वो अच्छी करते, तो मैंने एक दफा, मेरा एक पुराना दर्जी था कराची का, तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, तो मुझसे कहने लगा बाजी मैं आपके घर रह जाऊँ कुछ अरसे, मैंने कहा रह जाऊँ, तो कहने लगा मैं रह ही रहा हूँ तो आप ऐसे क्यों नहीं करती कुछ कपड़े बनवा लें, कोई बिजनेस कर लें, मैंने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, मैं एग्जीबिशन करती हूँ, तो मैंने खैर बड़ी हासिल की, बड़े कपड़े खरीदे, मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं इस दफ़ा हम बिज़नेस का, और वो मैंने एग्जीबिशन मतलब बाय द वर्ड ऑफ माउथ अपने जानने वालों को ही बताया, कोई एडवर्टाइज नहीं किया कुछ नहीं किया, घर पे ही एग्जीबिशन की, तो अब उसमें ज़ाहिर है सब जानने वाले ही आए थे, तो अब वो अब ज़ाहिर है मुझे तो बिज़नेस का कोई तजर्बा नहीं, अब उन्होंने आके कि कोई कह रहा है ये हमें इतने का दे दो, वो ले गई, फिर किसी ने कहा मैं तो नहीं दे रही इसके पैसे, मैं तो ऐसे ले जा रही हूँ, वो ऐसे उठा के ले गई। नहीं तो लैला तो अभी भी इसको कहो ना कोई कि इंडोर्स कर दो
तो ये ऐसे ही फ्री में कर देती है। ये कहती हाँ ठीक है, दोस्त है भाई, अब दोस्तों से क्या पैसे लोगे। तो वो यही, मैं अब दोस्तों से कैसे आप पैसे मांगे। तो मुझे बिल्कुल नहीं आता बिजनेस करना। तो मुझे फिर मेरे हस्बैंड ने बाद में ये कहा, तुम तो ना ही करो, बिजनेस बेहतर है। मैंने वैसे जिंदगी में बहुत कम रिस्क लिया, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेती क्योंकि रिस्क सारे मेरे हस्बैंड लेते हैं। अच्छा, जैसे बिजनेस का सेंस, वही वाली कपल की बात है ना, आपके मियाँ और मेरे मियाँ को भी नहीं है बिजनेस का सेंस। अच्छा, वो भी बाट लगा देगा चीजों को। नहीं है, मुझे है थोड़ा बहुत। अमेरिका जाती बड़ा जोश आया, बिजनेस करूंगा। अम्मी पापा ने वहां पे इतना मना किया कि तुम लोग अभी आए हो, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, बिजनेस मत करो। बिजनेस कर ली, ऑफिस खरीद लिया, एक गोरी मेम को भी बिठा दिया रिसेप्शन के ऊपर, बहुत खुश। कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। और जो चीजों की बिजनेस की थी वो अपने लोगों में बांट दी, बेच दी। यही होता है। अच्छा, उसके बाद क्या, वहां तो डोर टू डोर जाना पड़ता है आपको अगर सही मायनों में बिजनेस करनी है। मैं तो डोर टू डोर नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा क्या किया है, इन्वेस्टमेंट कर, और वो नुकसान हुआ। वही तो मैं देखती, मेरी दोस्त है, वो है, उसकी बुटीक है और वो करती है लाहौर में। तो वो मेरे घर में उसने एग्जीबिशन की आके, मैंने उससे कपड़े खरीदे, उसने मुझसे ना कोई डिस्काउंट दिया, ना मैंने उससे कोई डिस्काउंट मांगा। मैंने कहा ज़ाहिर बिजनेस है उसका, तो मैंने ये हम लोग नहीं कर सकते। मैंने क्यों ऐसे किया? हाँ, मैंने अपना घर भी दिया। अपना घर भी दिया। नहीं, ये इनबिल्ट होती है। आप देखें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बच्चों को भी लाइक उनके अंदर भी इनबिल्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको पता है कैसे करनी है बिजनेस, और हमें पता भी नहीं चलता। बच्चे उसी तरह लेके चलते हैं। हाँ, वो पढ़ रहे होते हैं और वो उनको अभी से पता होता है कि उन्होंने करना क्या, अपने बिजनेस को अपग्रेड कैसे करना है। जैसे मेमन होते हैं, उनके तो बच्चे उनके ब्लड में है, बिजनेस ब्लड में होता है। देखें, माय सन इन लॉ इज लाइक ही वाज ओनली 25 घर रेनोवेट करना था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था शादी से पहले। मैं तो बहुत ही बिजी थी ना, कभी स्कर्दू, कभी गिलगित, इस्लामाबाद, कराची, बाहर भी इसी तरह चल रहा था और टाइम बहुत कम था। तो मेरे भाई के बेटे हैं, वो इंटीरियर का करते हैं, वो हमें, मैंने कितनी दफ़ा घर फर्निश किया, वो मुझे कहते थे पप्पा आप हमारे पास भेज दो ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं तो खुद जाती थी सस्ती सस्ती जगहों से, मैं उठा के लेकर आती थी टेबल, और मैंने बताया कि ये देखो बेटा ये इतने का। हाँ पप्पा अच्छी है। पप्पा हम तो इस तरह कोरा भी नहीं बेच सकते, कहाँ से आप इतनी सस्ती ले आते। खैर, अभी फिर मेरी इतनी मजबूरी बन गई तो मैंने अपना रूम किसी डिज़ाइनर ने मुझे कहा, इंटीरियर वालों ने, कि हम आपका रूम सेट, उसने किया सेट। अब जब जाके मैंने देखा तो उसमें बहुत चीज़ खराबियां थी, तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेती। तो फिर मेरे भतीजे भाई के बेटे ने कहा फुफो हमें भी आता है, हम इतने बड़े बड़े घर पूरे फर्निश करते हैं, तो आप एक दफ़ा हमें कह के तो देखें। अब मैं तो हूँ रिस्क लेने वाली, मैं इधर थी, मैंने कहा ठीक है मेरा लाउंज, ड्राइंग रूम, ये वो फर्नीचर, इसको दोबारा से बना दो, इसके ऊपर कोशिश कर दो। उसने कहा पप्पा आप जाएं, आपका हमने जहन पढ़ लिया, हम कर देंगे। अब मैंने उसे कहा ये बजट है, इसके बाद मैंने पैसे नहीं खर्च। पप्पा हम इससे भी कम कर। अब मैं जो कहूँ, उसने मुझे जुनैर है, उसने मुझे कायल कर लिया। ये बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, कन्विंस करना। कि मेरे जैसी बंदी को उसने कन्विंस कर लिया कि पप्पा आप बेफिक्र होके, आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी आप आएंगी हम उतार के वापस ले जाएंगे। आपको फर्नीचर, आपको जो चीज़ भी पसंद नहीं आएगी ना, हम उसे वापस ले जाएंगे, और कोई मैं आपसे पैसे और जो आपका, मैंने कहा बेटा मेरा ये पप्पा इससे भी कम में हो जाएगा। अब मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गई, मैंने कहा ठीक है। अब मेरा भाई उसे कहें तुम बड़े बड़े बिजनेस करते हो भाई, बड़े बड़े घर सेट करते हो, सबा को तुमने अगर कायल कर लिया ना, फिर मैं मानूंगा कि तुम लोगों के सेट कर सकते हो घर। अब मैं तो जब घर गई हूँ सारा कुछ सेट था। अब मेरा फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है ना वो ये नहीं होता, ओ वाह सब है, मैं अब गई अच्छा है वो ये देखें अच्छा है बेटा। पप्पा हमें पता है आपको ना छोटी छोटी चीज़ें पसंद हैं, आपको बड़ी बड़ी, मैंने कहा नहीं नहीं मैं इसे। अब वो दूसरे दिन जब वो आया
तो मैंने अपनी डेकोरेशन अपने हिसाब से, तस्वीरें वगैरह। उसने कहा पापा मुझे ये पता था, देखिए मैं कोई नया ट्रेंड भी देना चाह रहा था। मैंने कहा बेसिक जो है ना वो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बीच में जो चीज़ें आपकी अपना शौक है ना वो, लेकिन जो मैंने बजट बताया उससे 3 गुना ज़्यादा उसने खर्चा किया। हाँ। और उसने कहा पप्पो शादी के बाद आप पैसे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। उसने जब मुझे वो दिया बिल, मैंने देखा मेरा, मैं कहा सुना पप्पो रिलैक्स, आपने जो देना दे दें आपसे कुछ, मतलब ये जहन जब होता है ना तो लोग सामने वाले बिजनेस माइंडेड होना जो है ना वो बहुत बड़ी बात, वही वाली बात है जैसे हम कहते हैं यहाँ कोई सिंगर है या नहीं है, नहीं है, या कोई एक्टर है या नहीं है, वैसे ही बिजनेसमैन है या नहीं है। तो उस बच्चे ने मुझे कई चीजों के लिए कायल कर लिया। अच्छा आप, मैं अभी इस एज में आके मैं ये रिग्रेट करती हूँ कि जो जब मैं टीन एज में थी तो अम्मी अब्बू कहते थे नहीं नहीं साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस का दिमाग, सारे वो यही सोचते थे। आपका दिमाग क्या था, आप अपने आप को भी नहीं पहचानते थे, अम्मा अब्बा ने एक बर्डन डाल दिया कि बस साइंस पढ़ना है क्योंकि उसी के लिए करियर। अब जमाना चेंज हुआ है और अब ये दिमाग हुआ है कि जो बच्चों का शौक है उनको वो पढ़ना है। तो मैं अब रिग्रेट करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने फिजिक्स क्यों पढ़ी, मेरे किधर काम आई, मैंने इतनी मेहनत इतना साल जाया किए, मैं उस वक्त फैशन पढ़ लेती, मैं उस वक्त कुछ मीडिया साइंस कर लेती। सो ये होता कि वो मेरे काम आती है, पहले तो डॉक्टर इंजीनियर और ये बहुत, अब तो शेफ भी बन रहे हैं लड़के लड़के। पहले कोई शेफ का कह देता था तो कहते बावर्ची 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 तो अब जो है एक रिस्क ये भी है कि आपने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए जो पैसा खर्च करना है वो किस पे करना है, किस पे करना है। जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं उनको डॉक्टर बनाया और वो उनको चिढ़ है इंजेक्शन से भी, ये भी है वो बच्चों का एप्टीट्यूड देखना चाहिए किधर है उनका, ताकि आगे भी उनका एजुकेशन काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि गया वक्त जो है ना दोबारा वापस नहीं आता, अक्सर लोग जो है मेडिसिन करा देते हैं अपने बच्चों को जबरदस्ती, वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, नहीं करते, पैसे भी जाया, बहुत अफसोस होता है मुझे, फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रिस्क, जिंदगी में रिस्क। अच्छा एक बहुत बड़ा रिस्क पता क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं हर चीज़ की, कि हम सोचते हैं जब शादी होती है थोड़े थोड़े से समझदार होते हैं, इतनी आबादी बढ़ाएंगे इतने बच्चे करेंगे, हमें तो नहीं पता होता कि हमारे नसीब में बेटियां हैं कि बेटे हैं। तो कुछ लोग बेटों की ख्वाहिश में 9-9 बच्चे पैदा कर लेते हैं माशाल्लाह। हाँ नहीं, हमने तो जब शादी हुई थी तो ये डिसाइड किया था कि 2 ही होंगे चाहे बेटे हो या बेटियां हो। हाँ। तो माशाल्लाह दोनों बेटियां हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं, हम भी 2 बहनें और मेरी भी आगे से 2 बेटियां हैं, और मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। लोग कहते हैं ना भाई आपको होता नहीं फील कि आपको बेटा होना चाहिए था, मैंने कहा नहीं माशाल्लाह मेरी बेटियां जो हैं वो इतनी अच्छी हैं, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, अभी भी इतनी, मेरे ख्याल से बेटियां जो होती हैं ना वो माँ बाप की ज्यादा केयर करती हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। बेटे फिर भी अपनी फैमिलीज में बिजी हो जाते हैं, मगर बेटियों का ये होता है कि वो शादी होकर चली जाए फिर उनको माँ बाप इनबिल्ट है, उनके अंदर ये कुदरती अल्लाह ताला की तरह। अच्छा बेटे भी होते हैं बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनका तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा बेटियां जो होती है ना वो आपको प्यार कर, फिजिकल ना प्यार करेंगी, केयर करेंगी, अम्मी खा लें, ये कर लें। बेटे जो होंगे वो लाके रख देंगे सब चीजें कि आप खाएं जरूर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो फिजिकल इतने नहीं होते जितनी बेटियां होती हैं। बेटियां ज्यादा पर दे आर आल्सो वेरी लविंग एंड केयरिंग, नॉट नेसेसरली। मैंने बहुत से बेटे ऐसे देखे हैं। आदमी बेसिकली जो मर्द है ना वो उसमें और जो औरत है उसकी दोनों की फितरत में कैरेक्टरिस्टिक में चेंज है। हां वही मैं कह रही ना कि एक्सप्रेसिव नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल आप दोनों की बात मैं सुन रही थी, क्योंकि आपके पास दोनों है, आप दोनों माशाल्लाह। मेरी बहन है ना छोटी, वो बेटों के मसले मसाइल भी बहुत होते हैं, तो वो कहती थी शुक्र है मेरे बेटे ने, मतलब वो अक्सर ये लफ्ज़ बोल दिया करती थी, हम खामोश हो जाते थे। लेकिन अब मेरे बहनोई की डेथ हो गई, अब वो इरे जो उनकी बेटी है वो इस वक्त टर्की गई हुई है पढ़ने, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया है वो अकेली है क्योंकि हस्बैंड की भी डेथ हो गई बेटा ने। कल उसका जो फ़ोन आया है मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब गुजरा,
मतलब वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो मैं उसे कहती थी क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्यों? पर मैं गाड़ी में आ रही थी, गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, मैं जब गाड़ी, मैंने कहा सना जो गाड़ी टेंशन दे रही है ना, बेच दो गाड़ी। मैंने कहा टेंशन ना लो, जहनी कोफ्त नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे डिप्रेशन, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये क्यों? क्योंकि बेटे होते हैं ना, वो हर वक्त आपके साथ होते हैं। वो ना भी हो ना, साथ साथ होने का एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियाँ दी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शुक्र अदा करें। लेकिन कभी ना सोचें कि बेटे नहीं है मैं बहुत खुश हूँ। कभी ना कभी जिंदगी में नहीं, मगर शबा मैं ये कहती हूँ कि देखो, अब ये ना हो ना कि अगर आपके बेटे नहीं हैं और बेटियाँ अल्लाह ताला ने आपको दी हैं तो आप बेटे के चक्कर में पैदा ही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस पे शुक्र करें कि आपको औलाद है आपके। नहीं, वो तो बिल्कुल, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब माशाल्लाह मेरे दामाद, मैं कहती हूँ दुआ करें कि बेटियां हों या बेटे हों, नेक नेक अच्छे इंसान, अच्छे इंसान, बिल्कुल सिंपल। अब दामाद होते हैं वो भी तो बेटे होते हैं, बेटों की तरह जो काम बेटे करते हैं वही सारे काम वो भी। और मेरी अम्मी की अच्छी बात एक कहती थी अल्लाह मियां हमें चलता फिरता रखे, कि हमें कभी ये ना हो कि हमारे बच्चे हमारा ये कर लेंगे, हमारे हम चलते फिरते रहे, हम उनका करते रहे, उनका करते रहे। बिल्कुल सबका यही होता है कि हम हमेशा हमारा हाथ यूं रहे, कभी हमें मांगना ना पड़े, क्योंकि ये आपके अख्तियार में नहीं होता। प्यारे बेटे मिल जाते हैं और इतने वो प्यारे होते हैं कि वो बेटों के बराबर ही होते हैं। सही बात है, मैं यही कह रही हूं, मैं तो कहती हूं बेटियों के, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी में ये दुआ करती हूँ कि हमेशा मेरे बच्चों को मेरी जरूरत पड़े, मुझे कभी उनकी ऐसे जिंदगी में ना पड़े कि मुझे उनकी जरूरत पड़े, हमेशा मैं ही उनके काम आती रहूं। ये एक सैटिस्फैक्शन है माँ बाप के लिए। सही बात। आप देखिए जो घर में बुजुर्ग हो जाते हैं और जो लाइक उनकी तबीयत नहीं सही होती, बेड रिडन होते हैं, वो कोई ना कहीं कहते थे उनको होता है कि हम किसी काम आ जाए। अच्छा, मैं मेरी मदर इन लॉ जब बिस्तर पे थी, वो कहती थी मैं पका लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं, तो मैं कहती सब्जी बना कर दे दूं, मैं कहती थी अच्छा देखची उधर ले जाओ, उनसे पूछ लेना। मैं अपनी कुक को कहती थी आप मेरी मदर इन लॉ से रेसिपी पूछ लीजिएगा, तो उनको ये लगेगा कि मैं किसी काम का। सिर्फ अगर एक बुजुर्ग को ये लग जाए ना तो उसकी सेहत अच्छी हो जाती, अच्छी रहती, फ्रेश रहती। तो इसीलिए हर रिश्ते की मैं कहती हूँ अपनी जगह, अपनी जगह होती है। और अब बच्चों के आगे से जो बच्चा मेरे माशाल्लाह, एक तो सादिया का बेटा है, फिर सलमान के दो बेटे हैं। मैं अभी कराची आई हूँ, बस मैं उनको इतना मिस कर रही हूँ कि वो कहते हैं प्यारे हो, सूद प्यारा, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, मैं अपने बेटे की तरफ देखूँ ना देखूँ, वो सीढ़ियाँ से उतर कर आ रहा होता है, तो मैं खुद बाद में सोचती हूँ मेरी आवाज अजीब सी हो जाती, मेरी अजीब से लाड आ जाते हैं, जो कभी अपने बच्चों के लिए भी नहीं आए थे। जब प्लेन से उतरो ना तो जो वो लेने आते हैं, रियली मैं अपने बच्चों को नहीं देखती, मैं कहती हट जाओ साले, हट जाओ बस बच्चे। ऐसे ही है, बच्चे अपने जो होते हैं ना कभी कभी जेलसी हो जाते हैं कि आप हमें तो पूछ ही नहीं, बच्चों को फोन पे बात होगी पहले बच्चों का पूछेंगे क्या हाल है। अच्छा, अब ये तो हो गए बच्चे पैदा करने की बात, उसके बाद जब बच्चे, हम कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे टेंशनें दूर हो जाएंगी, बच्चे, अरे भाई जब बच्चे उनकी टेंशनें बदलती जाती है, हर एज की अलग टेंशन है। अब वही बच्चों की शादी की रिस्क, जैसे जाहिर है आजकल तो बच्चे जाहिर है अपनी पसंद की शादियां कर रहे हैं, हमारा समझ नहीं आती कि बच्चों को कैसे आप बताएं समझाएं कि उन्होंने ज़िंदगी में जो फैसले लेने हैं वो क्या सोच समझ के लें। कभी कभार होता है ना कि एक गैम्बल है, आपने अपना गैम्बल तो खेल लिया, लेकिन फिर आप उस गैम्बल से सीखते हैं और कहते हैं फिर बच्चों को बताते हैं भाई तुम ये ना करना, तुम वो ना करना। वो पहले कहते थे ना अच्छा खुद तो सब कर लिया, हमें मना करते हैं, आपका एक्सपीरियंस आपको बता रहा होता है। सो फाइनेंशियल और उसके अलावा ये इमोशनल रिस्क होते हैं बहुत बड़े, है ना? बिल्कुल ऐसे, और इससे गुजरना है सबको, सबको गुजरना। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ एक माँ की ड्यूटी पैदा करने से लेकर मरने तक वो खत्म नहीं, वो खत्म नहीं होती कभी, फिर उनके बच्चों की आगे से उनके बच्चों की ड्यूटीज होती, बिल्कुल सब वो कभी भी खत्म नहीं होगी। सो इस रिस्क के बारे में आप क्या समझाएंगी और बताएंगी? माशाल्लाह आपके बच्चे भी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी मैरिड हैं, आपके भी हैं, मुझे आप लोगों से सीखना मेरे बच्चे मैरिड नहीं है अभी, और ये सब चीजें मुझे भी गुजारनी होंगी, और मैं उस लम्हे के लिए अपने जिंदगी के फेस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ अभी से, बहुत क्या होगा क्या हालत में होना चाहिए, खुशियों के साथ। सो उसके लिए क्या होना चाहिए कि अब देखे ना, कभी कभार मैंने देखा है समाज की दीवार बन जाते हैं पेरेंट्स, अगर बच्चे कोई फैसला करते हैं तो माँ बाप कहते हैं नहीं ये शादी नहीं हो सकती। सो मुझे नहीं पता
कि आगे आने वाला वक्त कैसे है, हमने कैसे रिएक्ट करना है बच्चों की चीज़ों के ऊपर, क्या करना है, ये मशवरे ज़रा मुझे तो लगता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं आप ही घर के माहौल का बहुत होता है, चाहे वो बच्चे कहीं भी चले जाएं, हाँ। अगर आपने बेसिक उनको अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, वैल्यूज सिखाई हुई है, बुरा उनको अच्छा बुरा बताया हुआ है, तो फिर दुनिया में छोड़े उनको, टेक वो भी रिस्क लेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ, तभी सीखेंगे भी। अब ये वैल्यूज कि भाई आपने बाहर रहना है तो कोशिश करें मुसलमान से ही शादी करें, जो जो आपकी वैल्यूज हैं, बट अगर वो नहीं कर रहा है तो आप फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू नो, आपने तो अपना काम कर लिया, बता दिया उनको ना, अब वो फिर भी इफ यू फॉल इन लव विद अमेरिकन या ब्रिटिशर या कोई भी, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, बल्कि ऐसी खुशी उनका कबूल कर ले आप, क्योंकि ताकि वो आपके साथ अच्छे रहे, वरना अगर नहीं करेंगे तो आपसे दूर हो जाएंगे। प्रोग्राम के शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की, हम वो जनरेशन है हम अपने अम्मा अब्बा से डरते रहे, फिर अब हम अपने बच्चों से डरते हैं, हंसे में बीच में, तो ये थैंक यू सो मच, इतनी सारी मजे मजे की बातों का, बातों के थ्रू ही बहुत कुछ हम सीख पाए एक दूसरे से। बिल्कुल, यहाँ प्रोग्राम का टाइम खत्म, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।